हमारी डील फाइनल हो गई है। मैं कौन हूँ ये जाने बिना आप मुझे पैसा देके काम करवा रहे हैं। मैं आपका ये काम जरूर पूरा करूंगा, बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये काम मैं कैसे करूंगा आप ये मुझसे नहीं पूछेंगे। लड़के को ड्राइवर ड्रॉप करेगा, उसके बाद स्कूल की प्रेयर के बीच में लड़का आएगा। स्कूल के अंदर बहुत सिक्योरिटी होती है, सब जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। लंच टाइम में वहाँ पर बहुत लड़के होते हैं, वो सिक्योरिटी भी वहीं पर होगी और इसलिए उस कंपाउंड के अंदर कोई नहीं आ सकता। सो उस वक्त उस लड़के को किडनैप करना सेफ नहीं होगा। शाम के वक्त वो यहाँ पर खेलने आएगा और उस वक्त उसका ड्राइवर वहीं पर उसका इंतजार करेगा, इसलिए उस वक्त भी मुश्किल है। चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। कम ऑन, छी अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने यहाँ पढ़ाई के लिए पैसे दिए और अब मैं स्विमिंग क्लास जा रहा हूँ। अब वो स्विमिंग क्लास जा रहा है? मौका अच्छा है, इसी बीच में अपना सारा काम कर लो, समझे कि नहीं? मैं पीछे का बैकडोर खुला रखूंगा, वहाँ कैमरा लगा है पर वो चालू नहीं है, और अपना काम सफाई से कर लेना। ओके। शिट, इधर दो। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने एक गलती की है जिससे मेरी ईगो हर्ट हुई है, प्लस 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, वो सब तुमको भरना पड़ेगा। क्या 25 लाख मुझे देने होंगे? मुफ्त में देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है, और मैं तुमसे कोई भीख भी नहीं मांग रहा क्योंकि मैं भिखारी नहीं हूँ। तुम्हारे बेटे को मैंने किडनैप कर लिया है, तुम मुझे 25 लाख रुपए दोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को गिफ्ट के तौर पर तुम्हें दे दूंगा। पैसा कहाँ देना है ये मैं नेक्स्ट कॉल में तुम्हें बताऊंगा। तब तक स्टे ट्यून टू 25 लाख, रेडी करके रखना। तब तक ये किडनैपर और कुछ सोच के रखेगा, समझे? हेलो मैरी, टेंशन मत लेना, जॉन लापता हो गया है, मैं अभी कमिश्नर से बात करता हूँ, बाद में तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ओके बाय 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 अशोक, बाय बाय। कमिश्नर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अशोक, तुम वो फेमस बिजनेसमैन कैनेडी को जानते हो ना? यस सर। उसका बेटा जॉन किडनैप हो गया है, ये केस मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और इस केस को तुम जल्द से जल्द सॉल्व करो, ठीक है? और किसी भी तरह की कोई भी सहायता की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ओके सर, मैं देखता हूँ सर। ओके, कार्रवाई जल्द शुरू करो। सर, एक किडनैपर के पिताजी हैं। हेलो ऑफिसर, कैनेडी। अशोक, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। कैनेडी, क्या हो गया? कूल कूल मिस्टर कैनेडी। या कमिश्नर ने मुझे कॉल किया था और इस केस को मुझे हैंडल करने को कहा है। सर चाय। थैंक यू। आप भी लीजिए। बहुत ही अजीब केस है, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, आपकी इनलीगल और लीगल इंक्वायरी के बारे में, जो भी आपके पास है मुझे बताइए। आपको किसी पर शक है क्या? वो क्या है कि हम डायरेक्ट किसी पे उंगली नहीं उठा सकते इंस्पेक्टर। ओके फाइन। हरीश सर, इनका मोबाइल ले लो और जो पहली कॉल आई है उसको ट्रेस करो। ओके सर। आप अपना मोबाइल दे दीजिए ताकि वो कॉल डिटेल चेक कर सके, ताकि किडनैपर की सही जांच पड़ताल हो जाए। यह हादसा किसी रिश्तेदार ने तो नहीं किया, या कोई सुपारी किलर या किसी गैंग ने तो नहीं किया? दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सर
प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा है, लगता है किडनैपर का कॉल है। फोन दो इन्हें। मिस्टर कैनेडी, वन टेक्निकल पॉइंट। यस। कॉल ट्रेस करने के लिए आपको 60 सेकंड बात करनी पड़ेगी। या मनोज रेडी? यस सर। या बात कीजिए फोन स्पीकर पे डाल के। हेलो। हेलो मिस्टर कैनेडी, मेरा बेटा कैसा है? उसे क्या होगा, वो तो बहुत आराम से बैठा है। पैसे नहीं दिए तो तुम जानते हो ना उसका क्या होगा। तुम्हारे बेटे से बात कर लो। हेलो जॉन, डैडी हाउ आर यू? डैडी आर यू ओके? यस डैड, बट मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जो पैसा मुझे देना है उसे एक बैग में डालकर ठीक 10 बजे शिवाजी नगर रसल मार्केट के पास छोड़ देना। तुम्हारा बेटा घर सेफली पहुंच जाएगा, डोंट वरी। मनोज, कॉल ट्रेस हो गई क्या? सर, मीरा रोड से ट्रेस हुआ है। कॉल मीरा रोड से आई है, पैसा शिवाजी नगर में देने को कहा है। सो वो गैंग शिवाजी नगर से ऑपरेट कर रहा है। ओके, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आप पैसे का इंतजाम करिए। ओके ऑफिसर। हरीश, डोंट वरी मैडम। सर, कैश रेडी, वी डू द बेस्ट। सर ओके। हरीश सर, फर्स्ट कॉल का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाया। हाँ। लेकिन सारे कॉल डिटेल्स फेक है। फेक है? यस सर। ओह शिट, दोनों फेक है? हाँ सर। शांति रखो, वो कोई गेम खेल रहा है। हरीश, हम भी गेम खेलेंगे, इसमें डुप्लीकेट नोट भरेंगे, इसमें रियल नोट नहीं है ये जान के वो फोन करेगा, तब वो कहाँ है ट्रेस करेंगे। इस बैग को लेकर के जाओ और जहाँ उसने जगह बताई है वहां रख दो। यस सर। वहां क्या एक्टिविटी हो रही है? बैग के पास कोई अप्रोच नहीं कर रहा है। अलर्ट रहना। यस सर। अफजल भाई, एक चाय। आरसीबी पे भरोसा नहीं कर सकते है ना? अरे तुम्हें हाथ दिया तो मेरा हाथ कट हो जाएगा। कैसे? आरसीबी जीती तभी तो अनवर से 500 रुपया जीता। हाँ। सनराइज पे अशरफ के साथ 500 रुपया लगाया था, वो हार गया। बस यही सब बेटिंग चल रही है। इसे ना बेटिंग नहीं कहते। हाँ। बैलेंसिंग कहते हैं। हाँ? ये तो कोई ब्रांडेड बैग लग रही है। अरे इधर क्यों खड़ा किया, दुकान के सामने खड़ा कर दो भाई।, भाई हाँ वहीं पे उधर। हाँ उधर ही। सर्कल से राइट लो ना भाई। वहाँ कोई बैग अप्रोच कर रहा है, अलर्ट रहो, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्विंग सर, क्विक, सब अलर्ट रहो। बैग के पास कोई आ रहा है, बी अलर्ट, बी अलर्ट। सर बैग आपकी है? नहीं। किसकी बैग है यार, ये तो ब्रांडेड लग रही है। उसे ऑब्जर्व करो। सर आपका ऑर्डर आते ही हम उस पे अटैक कर देंगे। रिलैक्स रिलैक्स, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है ना? सर वो बैग उठा रहा है। एक वैन आ रही है, कैच हिम, कैच हिम। यस सर। सुनो सर, माई सेल्फ मिस्टर परमेश सर, यू कैन कॉल मी परमी सर। थैंक यू, जो भी आके गया मार के ही गया सर। आप पहले हैं जो बात कर रहे हैं सर। सुनो पम्मी। सर परमी सर, PURMY, यू से PUMMY, डेट इज डॉग। ढंग से बात कर, साहब के सामने। कॉल मी एनीथिंग सर। लड़का कहाँ है, जिंदा या मर गया? कौन लड़का सर, क्या बात कर रहे हैं? कौन लड़का, ये किडनैपिंग एक्सटॉर्शन कब से चल रहा है? किडनैपिंग एक्सटॉर्शन सर, मैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन अब भी ढंग से नहीं कर सकता हूँ। डायलॉग सुना रहा है ना लायक कहीं का। सर आप लोग मुझे क्यों यहाँ पर लाए हैं सर? सर मेरा फोन दीजिए प्लीज, मैं फ्रेंड्स को कॉल करता हूँ, चाहो तो आप भी बात कर लीजिए सर। फोन सर, इसका नाम किसी से नहीं मैच हो रहा है और इसका कॉल डिटेल्स भी नहीं है। कौन है तुम्हारा बॉस? आर्मुगा। कौन है वो? सर मैं उसके गोडाउन में स्टोर मैनेजर के तौर पे काम करता हूँ।
ओनर का नाम है आर्मुगम। कला किराना स्टोर प्राइवेट लिमिटेड। हाँ सर, यहीं पर मैं काम करता हूँ। तुझे बैग उठाने के लिए किसने कहा था? सर मुझसे किसी ने नहीं कहा सर। असल बात क्या है मैं बताता हूँ सर, मैं ब्रांडेड आइटम्स बहुत पसंद करता हूँ सर। दूर से वो बैग देखा तो अच्छे ब्रांड का बैग लगा सर। वो ड्यूप है सर। वो बैग दिखने में अच्छा दिख रहा था सर। किस बेवकूफ ने वहां पर बैग छोड़ दिया यही सोचकर वहां गया था सर। इतने में आपके लोगों ने मुझे पकड़ लिया सर। उस बैग में पैसे थे ये मैं कसम से नहीं जानता था सर। प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए सर, आज मेरा टाइम ही सही नहीं है। अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो मैं तुझे ऐसी मार मारूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा, समझ रहे ना? लो बिजली चली गई, ये लोग बराबर टाइम पर लाइट काट देते हैं। इससे पूछताछ करो सर। प्लीज सर। सर अशोक सर। सर क्या हमने सही आदमी को गिरफ्तार किया है? अमावस के दिन चांद नहीं दिखता है, लेकिन चांद नहीं है ये बात नहीं है। चांद तो अभी नहीं दिख रहा है लेकिन दिखेगा जरूर। सर हम वेट करते हैं। सर क्या है? हमारे स्टेशन पे कोई ध्यान नहीं देता है। 24,50,000 रुपए से भरा हुआ बैग यहाँ पर छोड़कर चला गया, सब केयरलेस है सर। सर सर सुबह से शाम तक 100 रुपए कमाने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ सर। सॉरी सर, ये अन्याय है सर। ये डुप्लीकेट नोट है, जाके हरीश को दे दे। छे, ये डुप्लीकेट नोट है, कितना अच्छा प्रिंट किया है, मैं खुद पहचान नहीं पा रहा हूँ। ये 500 रुपया। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। हरीश सर, ये 25 लाख रुपए का बैग थाने में क्यों रखा हुआ है? ए, सर, मैंने कुछ नहीं किया। चल सर, ये डुप्लीकेट नोट है सर, इन्हें मैं कहाँ रखूँ सर? उधर अंदर जाके रख दे। सर आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये नकली नोट है। जाके उधर रख। ओरिजिनल नोट होता थोड़ी ना रखने के लिए बोलते। मुझे क्या है, मेरा काम रखना है, रख देता हूँ। चल सर। थैंक यू सर। सर मैंने उस लड़के का मोबाइल चेक किया, मोबाइल पे एक लड़की की फोटो है जिससे उसकी शादी होने वाली है। कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नहीं मिला सर। ओके। उसकी फेसबुक डिटेल्स, ईमेल डिटेल्स और कॉल डिटेल्स ये सब ट्रेस करके अपने ट्रैकर मनोज को दिया हूँ सर। मैं आपको भी एक कॉपी दे रहा हूँ सर। वो चाय वाले से पूछताछ की क्या? हाँ किया था सर। लो साहब सुनो, अपना परमी आता है क्या? रोज नाइट शिफ्ट खत्म करके चाय पीने के लिए आता था, आज भी आया था। 4-5 लोग उसे उठा करके ले गए और उसने आज का पैसा भी नहीं दिया। ऑफिस गए थे क्या? गया था सर। कुछ महीने से वो हमारे पास काम कर रहा है, बहुत अच्छा लड़का है। कोई चोरी किया क्या? नहीं नहीं, पहले हुई थी, उसके आने के बाद चोरी नहीं हुई। वो किडनैपर की कॉल ट्रेस की थी क्या? वो लोकेशन इम्पैक्ट हुआ? गया था सर, उस लोकेशन से कुछ भी नहीं मिला सर। प्रॉब्लम जहां से शुरू हुई थी वहीं से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। चलो जॉन के स्कूल चलते हैं। आपके स्टूडेंट जॉन के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? हाँ, जॉन बहुत अच्छा लड़का है, स्टडीज में थोड़ा वीक तो है मगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत आगे है। सिंगिंग, मिमिक्री, क्रिकेट, हाँ क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। और कोई लफड़ा झगड़ा? ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है। जॉन स्विमिंग क्लासेस में रेगुलर आता था? हाँ सर रेगुलर आता था सर। आपने उसे लास्ट टाइम कब देखा था? सर यही ड्रेसिंग रूम में आखिरी बार देखा था सर। तुम यहाँ कितने सालों से काम करते हो? स्कूल बंद के 7 साल हो गए सर, तब से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या? हाँ सर, स्कूल के सभी जगहों पर है। ये देखिए यहाँ बैक डोर पर भी है सर, पर यहाँ का कैमरा इस समय काम नहीं कर रहा है सर। ये सच है? हाँ सर, बैक डोर में सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है। मेरा मतलब ये कि काफी सालों से कैमरा नहीं चल रहा है। तुमने किसी को फोन पे एचबीटी दिया था, वो कौन है जरा बताओ, दिखाना इनको। रिसेंटली जितने भी किडनैपिंग एक्टिविटी हुई है वो सारे ये हैं। कृष्णा अलियास किट्टा, तंग वेलू अलियास वेलू, प्रसाद अलियास पटरे, बद्रप्पा अलियास बद्रा। नहीं सर, इनमें से तो वो लोग कोई भी नहीं है। तो उसके तो लंबे लंबे बड़े बड़े बाल हैं सर। वो फाइल देना। ये है क्या? नहीं सर। ये? हाँ सर यही है, बिल्कुल यही है सर। ठीक है सर। दामोदर अलियास दामू सर। दामू? ए हरीश, एसआई नरसिम्हा से तुम इसे ट्रेस करने के लिए कहो। सर मैंने कोई गलती नहीं की है सर, मैं किडनैपर नहीं हूँ। मैं भी पुलिस नहीं हूँ, वॉचमैन हूँ। अपना काम करो यार। मेरी बात मानिए, मुझ पे भरोसा कीजिए प्लीज। अशोक सर। हे,
सर सर प्लीज। ये क्या कह रहा है सर? एक मिनट के लिए मान लीजिए कि वो बैग कोई और उठाने के लिए आया होगा सर। हाँ तो फिर? तो वो आदमी वो बैग उठाने के लिए उस एरिया में जरूर आया होगा सर। आपने जब मुझे पकड़ लिया तो वो हमें फॉलो करते हुए इस पुलिस स्टेशन में जरूर आया होगा सर। दोनों एरिया का सीसीटीवी फुटेज जरा प्लीज चेक कीजिए सर। दोनों जगह जो कॉमन दिखेगा वही किडनैपर होगा। अगर हम मान ले कि तुम सही कह रहे हो तो फिर बैग को उठाने के लिए कोई दूसरा वहाँ क्यों नहीं आया? सर लगता है हमें बेवकूफ बना रहा है। सर सर मेरी जिंदगी का सवाल है सर, प्लीज सर। मैंने बहुत सारे पाखंडी देखे लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा, पागल कहीं। तक आज मेरा समय ही सही नहीं है सर, ये हमें बेवकूफ बनाना चाहता है सर। सुनो हरीश, उसकी बातों में पॉइंट है। हाँ सर। इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, तुम मार्केट में जाओ और पुजारी तुम सर। स्टेशन के सामने ज्वेलरी शॉप है, उसमें जो भी सीसीटीवी फुटेज है उसको कलेक्ट करो। हाँ सर। ओके सर, मैं भी यही सोच रहा था सर। बाद में बताना। ओके सर, वी विल डू इट सर। तुम्हारी क्या समस्या है? मेरे पति के साथ मेरी बहन भाग गई है सर। ये कौन है? मेरी बहन का पति है सर। नाम? कविता। उम्र? 24 साल। पता बताओ। नंबर 23। सर क्या है? मेरा फोन दीजिए ना सर, एक कॉल। क्यों फोन दो? मोबाइल की दुकान नहीं है, चल चुपचाप बैठ जा। बताओ। फर्स्ट क्रॉस 9th लेन। और? 4 ब्लॉक जेपी नगर। फोन नंबर? आपकी कितनी बहनें हैं? 2 लोग हैं सर। एक काम करना, जब वो आएंगे तो अपनी बहन को साथ में लेकर आना, तब तक उसे वहाँ मस्ती करने दो, सही है ना सर? हाँ सॉरी सर। सर उसे जल्दी ढूंढिए सर, वो जल्दी ही पकड़ में आ जाएगा सर। क्या है? ठीक है सर। पुजारी सर। क्या हुआ सर? मेरा फोन दीजिए ना प्लीज। ये नहीं हो सकता, फोन सर के अंडर में है, वहां से निकालना मुश्किल है सर। अगले हफ्ते मेरी शादी है, मंगेतर को शॉपिंग कराने का प्रॉमिस किया था। मैं फोन नहीं करूंगा तो टेंशन में आएगी ना, सिर्फ एक मैसेज भेजता हूं सर, प्लीज सर। शादी है और तुम जेल के अंदर हो, ये पसंद नहीं है सोच के ऊपर वाले ने तुम्हें जेल के अंदर डाल दिया। नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा मोबाइल, चुपचाप अंदर बैठ प्लीज सर। प्लीज सर। चलो मैं देखता हूँ कि किस टाइप का मैसेज भेजता है। लो जल्दी, लो जल्दी, काम करो और जल्दी वापस करो, ठीक है? पकड़ो पकड़ो जल्दी, ये लो अबे जल्दी पकड़। थैंक यू सर। इस कैमरे का राइट साइड का जूम करो सर। सर आपने जैसा कहा मैंने सारे कैमरे का फुटेज चेक कर लिया, लेकिन एक दूसरे से ज्यादा कॉमन नहीं है सर। 4 लोग कॉमन है सर। 4 लोग? हाँ 4 लोग। 3 लोग हमारे ऑफिसर है सर और 4th वो लड़का। ए सर बैठिए सर। चलो दिखाओ, थोड़ा थोड़ा रिवाइंड करो सर। ये लड़का एक किडनैपर है, आप यकीन कर रहे हैं ना सर? बिल्कुल भी नहीं सर, वो लड़का भोला भाला, उसे तो कुछ भी नहीं पता। कितनी दुख भरी बात है कि वो उस बैग को उठाने के लिए गया लेकिन वो खुद ही इंजर्ड हो गया और अब वो अपने हाथों का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। चुप करो। सर मेरे पास सबूत है सर। क्या सबूत? सर उसे मैसेज करना था इसलिए उसने मेरा मोबाइल का इस्तेमाल किया था सर। पहले फ्रेम पे आओ। कोई प्रूफ मिल जाएगा ये सोच के मैंने दिया था, एक मैसेज भेजा है। कैसा मैसेज? हाय चिन्ना, आई एम सॉरी, मैं मेरा मोबाइल खराब हो गया है सर। ये कनाडा को इंग्लिश में टाइप किया है, मैं इस मैसेज को कैसे पढूं सर? जरा ध्यान से देखो। शॉपिंग नहीं जा सकते, कल जाएंगे, बाय। और स्माइल दिया है सर। कैसा स्माइल? एक मिनट पीछे लो, रिवाइंड करो। स्टॉप प्ले, स्लो मोशन में चलो, जूम करो। हरीश सर, बैग लेने से पहले उसने कुछ तो कहा है। यस सर। इसको समझने के लिए हमें लिप रीडर को बुलाना पड़ेगा, जाओ। ओके सर। ए पुजारी सर, तुम उससे जाके कुछ ना कुछ बात करो, हमें क्लू मिल जाएगा। एक मिनट, तुम दोबारा प्ले करो, पीछे लो। हाय मिस्टर किडनैपर, हाउ आर यू? मी? अरे तुम्हारा दर्द।
वहाँ तुम्हारे माँ बाप शादी में कितने लोग आएंगे ये सोच रहे होंगे, लेकिन तुम तो यहाँ सलाखों के पीछे हो। मैंने कोई गलती नहीं की है सर। गलती किसने की है जानते हैं? आप लोगों ने की है मुझे पकड़ के। मैं जब भी यहाँ से देखता हूँ तो आप लोग मुझे सलाखों के पीछे देखते हो, मैं नहीं। ठीक है, हम भी तो ये जेल में हैं। दूसरी बात है, मेरी शादी के बारे में सोचने के लिए मेरे पास मेरे माँ बाप नहीं है। अपना ख्याल रखने वाला मैं अकेला ही हूँ। सब घर वापस आ जाते हैं तो फिर मेरा काम शुरू हो जाता है, और सब जब काम पे चले जाते हैं तो मैं काम खत्म करके वापस आता हूँ। गुड मॉर्निंग बॉस। तुम्हारे लिए धूप और दिए का खर्च करता रहता हूँ मैं। अब जल्द से जल्द मुझे डुप्लीकेट से ओरिजिनल बना दे भगवान, प्लीज भगवान। ठीक है ना, चलो मिलते हैं। मेरे जैसे अनाथ होने का एक एडवांटेज भी है, मैं चाहे कुछ भी करूं मुझे सवाल पूछने वाला कोई है ही नहीं। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है, मैं जिंदा हूं या मर गया हूं ये भी पूछने वाला कोई नहीं है। परमी को सुंदर लड़की ही चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, एवरेज लड़की भी चल जाएगी मस्के की तरह। कैसे कैसे लोगों को कैसी कैसी लड़कियां पसंद होती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन परमी को जो पसंद है उस लड़की के पैर में चांदी की अंगूठी नहीं होनी चाहिए। और एक बात है, मुझे टीवी सीरियल में दिखाए जाने वाले ब्रांड आइटम्स बहुत पसंद हैं। पसंद तो करता हूँ लेकिन खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हेलो सर, मैं हेल्प यू? बाहर लिखा है 80, यहाँ पर 20। हाँ सर, 80% ऑफ चल रहा है सर। मुझे अप टू वाला ही दिखा दो। सॉरी सर, ऑलरेडी वो बिक चुका है। ये 80% में क्यों नहीं है? सर आपने इसे पसंद किया ना, इसलिए ऐसा हो गया है सर। बड़े पापी लोग। मैंने जो पसंद किया था ये वो नहीं है। नहीं प्लीज, आप एक बार चेक करिए। एक्सक्यूज मी सर। सेल्फी बढ़िया आएगी ना यहाँ। अंदर दो ड्रेस ले गई, बाहर एक ही लेके आई। एक अंदर ही छोड़ दिया होगा। सिर्फ टैग यहां पर है, ड्रेस यहां पर नहीं है। मतलब
पक्की चोरनी है। थैंक यू। एक्चुअली वो कितने कपड़े लेके गई? एक। एक ही? कौन है ये मुझे फॉलो क्यों कर रहा है? मुझे फॉलो करेगा? अभी बताती हूँ। कौन हो तुम? हाँ, तुम मॉल से लेके यहाँ तक मेरा पीछा कर रहे हो, मैं देख रही हूँ। ओके, मेरे घर वाले पुलिस में हैं, पता है तुम्हें? बुलाऊं उन्हें? पुलिस हैं? हाँ। ओह माय गॉड, बुलाइए बुलाइए, जरा बुलाइए उनको, मुझे भी आप पे कंप्लेंट देनी है। कंप्लेन करनी है? वो भी मेरी? वो क्यों? मैंने देखा। क्या देखा तुमने? शोरूम, स्कर्ट, सब देख लिया मैंने। अच्छा, तुम्हारी बात पे यकीन कौन करेगा? यकीन नहीं करेंगे ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने मेरे मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्डिंग की है। ये वीडियो अगर मैं किसी टीवी न्यूज चैनल को भेज दूँ ना, तो वो लोग एक बढ़िया न्यूज बना देंगे। शहर में आए एक स्कर्ट चोर, ऐसा एक प्रोग्राम बना के 8 लोगों को डिस्कशन के लिए बिठा देंगे और तुम्हारा फोटो दिखा दिखा के तुम्हें तो फेमस बना देंगे। अरे अरे सुनो, ऐसा कुछ मत करो प्लीज, तुम्हें जो चाहिए बताओ मुझे और ये टॉपिक यही खत्म करते हैं। रिश्वत? मुझे? मैं कुछ ज्यादा मांग लूं तो दे दोगी? नहीं नहीं, नो। बात वो है कि व्हाट, तुम लोग कितने फ्रॉडी हो, एथिक्स नहीं है क्या? नो मैडम। क्या मतलब ये है कि वो ऑफर आज नहीं है? सुनो, मैंने कल देखा था, एक पेक का ऑफर था, सच है ना? हाँ मैडम। साइज में प्रॉब्लम है इसलिए एक्सचेंज करने आई हूँ, तो कह दो कि ऑफर नहीं है। इसलिए जस्ट 2 आवर्स से पहले ऑफर क्लोज हो गया है, प्लीज मैडम समझने की कोशिश करिए। बदतमीज हंस के बता रहे हो, ये कस्टमर फीडबैक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैडम। मुझे कुछ नहीं सुनना है, ये आप अपनी ड्रेस रखो, मुझे आपकी दुकान से मैडम 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 मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो मैं कंप्लेन करूंगी। ओके ओके कूल, ये शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि लेडीज ड्रेस है एंड आई एम अनमैरिड, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। कितना पका रहा है यार, तो क्या करूं? लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ ना कुछ बात करना चाहता हूं। क्या? फर्स्ट टाइम? अरे टेंशन मत लो, मैंने लाइफ में कभी किसी लड़की के साथ कॉफी नहीं पी। हेलो, इट इज वेरी सीरियस, तुम्हें हंसी आ रही है? चलो कॉफी पिलाओ मुझे। ठीक है, तुम आगे चलो, मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ। अरे वाह, पहली बार एक लड़की एक लड़के का पीछा करने वाली है, बढ़िया। नहीं नहीं, मैं आगे चलती हूँ, तुम मुझे फॉलो करो। मैं भी वही चाह रहा था। हेलो मैम, योर ऑर्डर प्लीज। आई हैव अ ब्लैक कॉफी। ओके, फॉर यू सर। सेम। ओके। किसने किसका हाथ पकड़ा है?
पैर में अंगूठी नहीं है। लेकिन ये दुल्हन के भेष में क्यों नहीं दिख रही? इसको चेक करता हूं। पैर में अंगूठी नहीं है। क्या हो गया मुझे? तो ये बात है परमी, दिल खो गया तेरा। आज के बाद बस यही एक है, ओके ना? योर नेम? क्या कर रही हो? मम्मी डैडी व्हाट डूइंग? मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहते हो? तुम कैसे भी हो पर एक लड़की तुमसे शादी कर ले? तुम्हें कोई बीमारी है क्या? हम यहाँ कॉफी पीने आए हैं ना, तो कॉफी पीते हैं और अपने अपने घर चलते हैं। मुझसे शादी करना चाहते हो? फॉर जनरल नॉलेज पर्पस आई आस्क यू। सर कॉफी। थैंक यू। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम करते क्या हो? माई सेल्फ मिस्टर परमेश, बट यू कॉल मी परमी, ओके? आई एम बिग एंटरप्रेन्योर, ऑल बिजनेस लाइक बिडिंग, प्रोडक्ट्स, सेल। यू वॉन्ट अ वॉट एवर प्रोडक्ट, आई मिस्टर परमी हैप्पी टू डिलीवर। सेल, प्रोडक्ट, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब लाइक पीपल गेटिंग प्रोडक्ट्स, मिस्टर परमी डूइंग द बिडिंग, ओके? कस्टमर बिडिंग, यू नो आईपीएल बिडिंग? हाँ। सेम, पीपल टेक प्रोडक्ट, आई टेक मनी, यू अंडरस्टैंड? लेकिन कैसे? इट इज फुल प्रोफेशनल, लाइक वर्किंग प्लेस वेरी बिग। हाँ। व्हेन मिस्टर परमी इज बिडिंग, यू नो एवरीबॉडी इज वॉचिंग परमी ओनली। अब तक जो भी तुमने कहा मुझे समझ नहीं आया। तुम इकोनॉमी नहीं जानती हो क्या? इसीलिए तुम्हें नहीं समझ में आया। क्या करती हो तुम? मैं पीएनपी स्कूल, जानते हो ना? हाँ, यही करीब ही तो है। हाँ, मैं वहाँ टीचर हूँ। अच्छा। बच्चों को क्या पढ़ाती हो? चोरी करना? हेलो, हाँ माँ, हाँ एक मिनट, हाँ माँ, बिल सर। 400 रुपए। कॉफी के चक्कर में बर्तन नहीं धोने मुझे यार। परमी एस्केप हो जा। सलाम साहब। वो व्हाइट शर्ट, ग्रीन पैंट मैडम, वो चला गया। चला गया वो मैडम, वापस आएगा तो यू टेल, मैं चला गया। ठीक है, ठीक है। सीसीटीवी भी चालू है यहाँ। आ,
क्या है फिर से फॉलो कर रहे हो मुझे? तू लड़कों का दिमाग एक जैसा ही होता है। हेलो मैडम, जरा आराम से बात करो, ये देखो। ए भगवान, आई एम सो सॉरी। पार्टी दूंगी बोल के तुमने मुझसे बिल भरवाया ना? अरे नहीं नहीं, वो घर से अर्जेंट कॉल आया था ना, उस चक्कर में मैं भूल गई। नो प्रॉब्लम, अभी तो टाइम है ना, वो पार्टी अभी पूरी करते हैं। ओके, बट मैं आपकी तरह कॉफी के लिए इतने पैसे खर्च नहीं करूंगी, जहाँ मैं ले जाऊंगी वहाँ चलना होगा। नो प्रॉब्लम, मेरे लिए जगह जरूरी नहीं है, कॉफी जरूरी है। ओके, तो अब मैं आगे जाऊं या? जगह मैं जानती हूँ तो मैं जाती हूँ, तुम फॉलो करो। ठीक है। चाहे कुछ भी कहो, उस दिन दुकान में तुमने जो किया ना वो सही नहीं किया। क्या उन लोगों ने सही किया? कोई भी मुझे धोखा देता है तो मैं उन्हें छोड़ती नहीं हूँ। शांत हो जाओ। ओके, अब तो अपना हिसाब बराबर हो गया ना? हेलो मैडम, मैंने वहाँ जितना बिल दिया है ना, उसके हिसाब से तो ऐसी 10 कॉफीज बनती हैं। 10 कॉफी? मिनिमम। ठीक है चाचा। हाँ? इन्हें 10 कॉफी पिलाना। लाता हूँ। पूरे 10? टीचर इज वेरी स्मार्ट। मैं आज एक ही दिन में 10 कॉफी नहीं पीऊंगा, हर रोज 1 कॉफी पीऊंगा। चाचा कैंसल, आप टेंशन मत लो, अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफी। हे भगवान। कुछ कहा? डॉक्टर ने क्या कहा? और क्या कहेंगे? डॉक्टर ने कहा हेल्दी रहना है तो खाना टाइम पे खाना चाहिए और दवाई भी। हाँ मैडम, डॉक्टर की बात को सुनिए, आपको ध्यान देना होगा क्योंकि आपको लो बीपी है, आपको सही समय पे दवाइयों को लेते रहना होगा। सुना ना आपने, क्या हुआ? मैडम मार्केट बंद हो जाएगा, उससे पहले ही मुझे सब्जी लेनी, मैं यहीं छोड़ करके जाता हूँ गाड़ी, आप यहीं बैठिए। हाँ हाँ ठीक है। माँ अपने भी घर में सब्जी नहीं है ना, मैं लेके आऊँ क्या? ठीक है मैं लेके आती हूँ, आप यहीं रहना माँ। ठीक है जल्दी। हाँ मैं जल्दी आती हूँ। यहाँ की सब्जियाँ ताजी होती है ना? हाँ मैडम, यहाँ पर एकदम ताजी सब्जी मिलती है मैडम। बैंगन बैंगन बैंगन, 1 नंबर बैंगन, 40 रुपया किलो, 40 रुपया किलो, एकदम सस्ते में, एकदम सस्ते में, ले लो ले लो। अरे चाचा देख क्या रहे हो, ले लो 40 रुपए किलो, इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। अरे आंटी ले लो। हाँ एकदम मस्त है, एकदम कड़क माल। हाँ अरे ले लो ले लो, 5 किलो लेके जाओ। मैं भी ना। एकदम सस्ता, एकदम सस्ता, जल्दी लो जल्दी लो। आपको दूं, आपको दूं। हाँ ये तो ये। अरे क्या सस्ते में मांग रहे हो, एकदम महंगा दे रहे हैं, इससे ज्यादा सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, लेके जाओ। यू नो आईपीएल ठीक है, 1 किलो दे दो। सेम, पीपल टेक प्रोडक्ट, आई टेक मनी, इट इज फुल प्रोफेशनल, लाइक वर्किंग प्लेस इज वेरी बिग, व्हेन मिस्टर परमी इज बिडिंग, एवरीबॉडी वाचिंग, पर मी ओनली। फिटिंग्स, डीलिंग्स, तो ये काम करता है ये। 40 रुपया किलो, 40 रुपया किलो। अभी तक क्यों नहीं आया? हेलो। हेलो, मेरा इंतजार मत करना, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, बिजी हूँ थोड़ा। मैं तुम्हारा वेट करूं? मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। ओ घर पहुंच गई तुम? अपने राइट में मुड़ो। अरे यार। कौन इंतजार कर रहा है मेरा यहाँ पे? क्या कमाल की एक्टिंग करती हो तुम टीचर, बोले तो एकदम मस्त। अरे वाह, तुम्हारे साथ कॉफी थोड़ी ना मिस करूंगा। ओके ठीक है, आज तुम आगे चलो। नो, अब साथ में चलेंगे। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ ये बताओ, तुम्हें मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला? एलन सोली का बिल था ना, उसी बिल पर से मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिला, तो मैंने सेव कर लिया। ओह,
सुंदर लड़की को नहीं छोड़ना चाहते हो? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी तरह एवरेज लड़की भी चलेगी मुझे। एक्चुअली क्या है जानते हो, मेरे सारे दोस्त अपनी लाइफ बिंदास एंजॉय करते हैं, मैं भी तुम्हारी तरह अपनी लाइफ बिंदास एंजॉय करना चाहती हूँ। पर सच बताऊं तो मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी मिस किया वो सब तुम्हें देखती हूँ। तो इस वजह से तुम क्यों मुंह फुला के बैठी हो हुप करके? बचपन में जब मैं स्कूल जाती थी तो पिताजी को बाय कहती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही पिताजी हमेशा के लिए बाय कह के चले गए। उसके बाद माँ मेरे पास थी पर वो इतनी होशियार नहीं थी, सो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही संभालनी पड़ी। ये लो आप लोगों की कॉफी। इसलिए मैंने अपनी लाइफ छोड़कर दूसरों को कंट्रोल करना सीख लिया। टीचर को थोड़ा मैच्योर दिखना पड़ता है ना, देखो मैं साड़ी में मैच्योर दिखती हूँ ना, इसलिए हमेशा साड़ी पहनती हूँ। वैसे साड़ी में तो मस्त लगती हो। ओ ऐसी बात है। अच्छा आज तुम्हारा दिन कैसा था? अरे बहुत बिजी था, आज का शेड्यूल तो लॉट ऑफ ऑक्शंस, बिडिंग्स, डीलिंग्स, बहुत बिजी था, तुम नहीं समझोगी। अच्छा परमी, आजकल सब्जियां बहुत महंगी हो गई है ना, सो किसानों को ज्यादा पैसे मिलते होंगे? ऐसा नहीं है मैडम, किसानों को कुछ नहीं मिलता, वो मीडिएटर से सब ले लेते हैं। ओ ये सब तुम्हें कैसे पता? इट इज जनरल मार्केट नॉलेज, इकोनॉमी की जानकारी नहीं है तुम्हें? हाँ ये सब मुझे नहीं पता, और वैसे भी मेरी जिंदगी बदलने वाली नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लूं आजकल ताजी सब्जियां मिलती ही नहीं है। परमी को परमिशन दो, परमी ला देगा ना। ऐसी बात है? हाँ। पर कैसे? तरकारी सहकारी निगम महामंडल है ना, वहाँ मेरी जान पहचान है। ओ लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने देखी है। क्या? आज सुबह सुबह मैं मार्केट गई थी। इसको सब पता चल गया, बनी बनाई इज्जत सारी मिट्टी में मिल गई। हाँ हाँ तुम बिल्कुल ऐसा ही सोचो, पर मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। Hey, you saying really real? It's okay, it's okay. वो क्या कहा था तुमने? Bettings, drillings, auction, like IPL, you know? दिल का इकरार होने लगा, हल्का 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 सा प्यार होने लगा। मैं तेरा गीत हूँ, तू मेरी रागनी है रे चंदा, तारे चमके आकाश इनसे रोशन, ऐसा ही मेरे रोशन रे जब से तुम हो मिले। होता है ऐसा कैसा रे, बोलो धरती पे स्वर्ग आए रे, सारे ये तुझ में शामिल है, अब क्या कहूँ मैं। ज्यादा आगे मत जाओ। तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं तो हम दोनों छोटा कश्मीर चलते हैं, वहाँ अच्छा लगेगा। छोटा कश्मीर कहाँ है? छोटा कश्मीर नहीं जानते? मैं मुंबई से बाहर नहीं गया हूँ। तो पहले तुम मुंबई अच्छी तरह देख लो, उसके बाद बटरफ्लाई पार्क, म्यूजियम, एक्वेरियम, ये मेरे फेवरेट प्लेसेस हैं। तुम नहीं गए क्या? दिल का इकरार होने लगा, हल्का 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 सा प्यार होने लगा। दिल का इकरार होने लगा, हल्का 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 सा प्यार होने लगा। तू मेरे सी तू सुंदर, खुशबू है सबसे बढ़कर,
उससे क्या शर्त लगाऊं, जीतेगी तू ही अक्सर। फूल जैसी है सुंदर, खुशबू है सबसे बढ़िया। तुझसे क्या शर्त लगाऊं, जीते ही तू ही। दिल का दिल का दिल का इकरार होने लगा, हल्का 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 सा प्यार होने लगा। ए परमी, मेरी फ्रेंड है। नमस्ते। वाह, दोस्त है। ये मंडी के ओनर है। ओह, ओनर है। तुम्हें फिल्म कैसी लगी? मुझे समझ में नहीं आया, तुम्हें कैसी लगी? बोरिंग। ओह, मैं जाके पॉपकॉर्न लाता हूँ। तुम्हें क्या क्या चाहिए मुझे बोलना, बस मैं तुमको सब दिलवाऊंगा। एक पॉपकॉर्न और एक कॉफी और ले लूं? हाँ, ले लो, जो चाहिए। फिर खेलने तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब है कहा था, और बाहर मंडी के ओनर है, आज तो गड़बड़ हो गई। मैं टीचर हूँ इसलिए एक बात बताती हूँ, लाइफ में कभी भी झूठ नहीं कहना, चोरी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया ना तो एक पॉइंट पे आके लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। ओह माय गॉड, क्या हुआ? पापा नहीं आए? स्कूल के बच्चे क्लास बंक करके फिल्म देखने आए हैं। मेरी माँ की तबीयत खराब है, ये झूठ कह के मैं यहाँ आई हूँ। मुझे किसी टीचर ने एक बात कही थी, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक पॉइंट पे हमारे साथ भी धोखा हो जाता है। इतनी जल्दी धोखा होता ये नहीं पता। पिक्चर शुरू हो गई। आई वांट दैट। अरे उसके बाद ये भी। नाइस पैर, ऑल द बेस्ट प्रोड्यूसर। क्या शर्त लगाऊं, जीते ही तू ही अक्सर। जैसी है सुंदर, अच्छी नहीं लग रही हूं। खुशबू है लड़की ने पहने हुए कपड़े, अगर लड़की को कंफर्टेबल हो तो सुपर लगती है। क्या बात है, फूलों जैसी तू सुंदर, खुशबू है तू। तेरा गीत गाऊं, तू मेरी रागनी है। चंदा तारे चमके, आकाश इनसे रोशन, ऐसा ही मेरे मन में जब से तुम हो मेरे। होता है ऐसा कैसा है, धरती पे स्वर्ग आए थे। सारे तुझ में शामिल है, अब क्या कहूँ मैं। दिल का दिल का इकरार होने लगा, हल्का 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 सा प्यार होने लगा। भगवान, आज प्यार का इजहार कर दूं क्या? अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो संभाल लोगे ना? लेकिन थोड़ी संभाल के बात करनी पड़ेगी। तुम्हारे घर में दीपावली मनाते हैं?
संक्रांति? हाँ मनाते हैं। दशहरा? नहीं, क्रिसमस, रमजान, बकरीद ये सब मनाते हैं। और नहीं तो क्या? तुम घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हो? जो भी पूछना है डायरेक्ट पूछो ना। तुम्हारे घर में वैलेंटाइंस डे मनाते हैं? हाँ, हमारे घर में एक कलश लाके उसपे लव सिंबल बना के उसमें मुझे आए सारे लव लेटर्स डाल के और अपने पड़ोस की सारी लड़कियों को बुला के उन्हें बिंदी और सिंदूर देकर उन्हें किस करती हूँ और भेज देती हूँ। वाव, बड़े मस्त तरीके से मनाती हो। और तुम कैसे मनाते हो? मैं बड़े शास्त्रीय तरीके से मनाता हूँ। गर्ल्स कॉलेज की प्रदक्षिणा करता हूँ, लड़कियों को फूल, ग्रीटिंग कार्ड्स, बलून ये सब देकर मंगल आरती करके घर आ जाता हूँ। तो इस साल हम दोनों वैलेंटाइंस डे एक साथ मना सकते हैं। सिलेबस ज्यादा ही टफ है, एग्जाम भी पास आ रहा है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं क्या होता है, पहले कॉफी पीते हैं। फ्रेंडशिप के नाम से दो कॉफी देना भाई। सर कॉफी। तुम बहुत लकी इंसान हो कि नहीं? भूल गए मुझे? मुझे नहीं लगता कि सर ने कभी आज तक वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया होगा। सॉरी सर। सर अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। सर अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। मनोज। ओके सर। पुजारी सर, किडनैपर मैं नहीं हूँ, अब ये बात आप लोगों को पता चल जाएगी। हेलो। स्पीकर ऑन करो। तो क्या भजन करेंगे? हेलो। अरे तुरंत भगा देंगे। हेलो हेलो। पुजारी सर मुझे मेरा शर्ट दे दीजिए ना। क्यों बिल्कुल चुप हो? 60 सेकंड होने का इंतजार कर रहे हो क्या? मेरी कॉल ट्रेस करवा रहे हो क्या? मेरे समझाने के बाद भी पुलिस के पास गए तुम? वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पुलिस वाले जो हैं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, जो भी नुकसान होगा तुम्हारा ही होगा, समझे? तुम फालतू में अपने बेटे से मिलने में डिले कर रहे हो क्योंकि तुम पुलिस के चक्कर में आ गए हो, तो मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम हमें कहाँ मिलना है ये मैं सोच कर बताता हूँ। मेरे फोन का इंतजार करना, जस्ट वेट फॉर माई कॉल। हेलो, मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। पैसा तो चाहिए लेकिन मैं ज्यादा लालची नहीं हूँ कैनेडी। जो तुमने 25 लाख के नोट रखे थे वो सब फेक नोट थे, इसलिए अब तुम 50 लाख रुपए दोगे। इस बार अगर तुमने फेक नोट रखे तो जॉन कौन, समझे? और एक और बात याद रखना, मेरी टीम की ट्रेनिंग ऐसे हुई है, ये जो तुम्हारे पास लड़का खड़ा है वो ऐसे ट्रेंड किया हुआ है, तुम कुछ भी कर लो वो अपना मुँह नहीं खोलेगा। सर सर मैं कसम खा के कहता हूँ इस आदमी को नहीं जानता सर। सर ये क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता सर। सर मैडम रोइए मत। सर सर इन्हें समझे। ओ तूने किडनैप किया कि नहीं? अरे जवाब दे, छोड़ दीजिए। अरे जवाब दे, कहाँ किडनैप किया तुम्हें पता? कहाँ छुपा रखा उसे? सर इस केस में किडनैपर कौन है बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर। ये केस आसानी से खत्म होने वाला नहीं, मुझे किडनैपर चाहिए, नहीं तो जिसे पकड़ा है वही किडनैपर है। सर लिप रीडर आया है सर। चलो आइए सर। सर हाँ जूम करिए थोड़ा और, जूम जूम जूम, मिला सर, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए सर। ए, अगर वॉल्यूम होता तो मैं तुम्हें यहां क्यों बुलाता? सर बेवकूफ की औलाद कह रहे हैं, सही है ना? जो यहां बोल रहे हो ना वो वहां बोलकर दिखाओ। ओके सर बताता हूं सर। किसका है, किसका है सर? किसका है सर? किसका है सर? चलो आगे बढ़ो। किसका है ये बैग? बहुत अच्छा लग रहा है। किसका है ये बैग? बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा बोल रहा है सर? बहुत अच्छा हरीश, लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है। हाँ सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट, ये माँ की आंख, पैसा, यूजिंग बैड वर्ड वर्ड सर। सर ही इज यूजिंग बैड वर्ड्स, यू पुट हिम इन जेल सर। कल्पिट फेलो।
हरीश सर, ये फर्स्ट टाइम पैसा मांग रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। सर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करें तभी मुंह खुलेगा। नहीं हरीश, उसे जाओ लेकर के आओ। यस सर। क्या बे? तो हम पुलिस वालों को क्या समझता है हा? कोई भी कॉल करके ये मेरा आदमी है कहेगा तो आप भरोसा कर लेंगे सर? आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए ना सर। तुम मुझे फिर से कहानियां क्यों सुना रहे हो? सर साहब इसे बाहर बुला रहे हैं, चलिए सर। बैठ जाइए इधर, बैठ। तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ दूं? दोनों है? दोनों पिला दो सर। ठीक है, इसे चाय दो। सर अशोक, ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? सर एक प्रूफ मिल रहा है, किडनैपर को जल्दी ट्रेस करेंगे। क्या हुआ उस लड़के का जिसे तुमने किडनैप किया है? क्या वो किडनैपर नहीं है? वो ही किडनैपर, अभी पक्का सबूत नहीं है सर, हमें एक क्लू मिला है, वी आर वर्किंग ऑन इट। केयरफुली हैंडल करो, लड़के की जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। यस सर, श्योर। ऑफिसर प्लीज, कैसे भी मेरे बेटे को वापस लेके आइए, उसे डुप्लीकेट नोट मत दीजिए, इट कुड बी बिग रिस्की। ऑफिसर वो जितने भी पैसे मांग रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, मुझे मेरा बेटा जॉन जरूरी है। मनोज। हाँ सर। तुम परमेश की फेसबुक अकाउंट चेक करो। चेक करता हूँ सर। सर मैं उसका फेसबुक चेक किया था सर, वो इस लड़के से शादी करने के लिए कह रहा था, लेकिन उस लड़के का एंगेजमेंट दूसरे लड़के से हो गया। देखिए सर, समथिंग इज फिशी। ए हरीश पुजारी, ए क्या कह रहा था वो? कि उस टीचर से उस लड़के की शादी फिक्स हो गई थी। यहां देखो, उस टीचर के दूसरे से एंगेजमेंट हो गई। सर वो हमें कंफ्यूज कर रहा है सर, वो लड़का बहुत ही खतरनाक है सर, वही किडनैपर है सर, ये फिक्स है सर। जो डील 25 पे तय हुई थी अब वो 50 लाख पे तय होगी, समझ गए सर? सर ए, क्या कर रहा है? क्या हुआ? है परमी, क्या है? किडनैपर कोई और नहीं है सर, आपके बीच में ही है। तुम पागल हो गए हो क्या? किडनैपर हमारे बीच में है? सर कहीं दूसरी ओर बैठे हुए किडनैपर को नोट्स फेक हैं, डुप्लीकेट है, ये कैसे पता चला बताइए? कैसे कैसे? नोट्स फेक हैं, डुप्लीकेट हैं, ये सिर्फ आप और आपके लोग जानते हैं। आप लोग मुझ पर गुस्सा दिखा रहे थे ना, मुझ पर? हाँ, किडनैपर कहीं और नहीं है सर, इसी रूम में है पक्का। तुम्हें किस पर डाउट है? बुरा मत मानिए सर, मुझे आप पे डाउट है।
सर, हमने किडनैपर को पकड़ लिया है और कुछ ही समय में हम उसे पुलिस स्टेशन लेकर आ रहे हैं। आधा चा सर, मैंने कोई गलती नहीं की सर, छोड़िए सर। खोलेगा कि नहीं? अगर सर नहीं मुंह खोलेगा तो तुझे बहुत दर्द देंगे। अकेले चुपचाप बता दे और लगाओ इसे, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। बता 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 रहा कि नहीं? छोड़ो 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 सर, चल बता। सर मैंने किडनैप नहीं किया सर, भरोसा कीजिए सर। मैंने पहले प्लान किया था सर, लेकिन मैंने किडनैप नहीं किया था सर, मैंने नहीं किया सर। तुमने कुछ नहीं किया है, ठीक है ना? सर बहुत दर्द हो रहा है सर। ये कैसे मार्क लग गए? ये अपनी जुबान ऐसे नहीं खोलेगा सर, इसे इस ट्रीटमेंट की जरूरत है सर। लेकिन ये इस तरह का खेल खेलता रहता है सर। मैंने किडनैप नहीं किया सर। क्यों भाई, कितना गर्म हो रहा है, थोड़ा आइस पर लिटा दो, बदन ठंडा हो जाएगा। सर सच में मैंने किडनैप नहीं किया। चल मेरा चल कीजिए सर, चल चल सर मेरा चल, तो मेरे कुछ नहीं किया सर, भरोसा कीजिए। चल लिटा सर, लिटा मुझ पे भरोसा कीजिए सर। सच बोल दे वरना। सर मैं कुछ नहीं जानता। बता रहा कि नहीं? वो लोग कौन है? बता। मुझे नहीं मालूम, पैसा भी उन्होंने कोरियर से भेजा था सर। बहुत बुरा हाल कर देंगे। फोन करके इंस्ट्रक्शन देते थे बस, मैं इतना ही जानता हूँ सर। यस सर, बस इतना ही जानता हूँ। तुम लोग चालू रखो सर। उसका फोन लेकर के पुजारी से कहो फॉलो अप करने के लिए। यस सर। और कैनेडी के बैकग्राउंड की इंक्वायरी करें, समझ गए? यस सर। रवि आओ चलो मेरे साथ। सर मैंने सभी का वेरिफिकेशन कर लिया है सर। ठीक है, कैनेडी के मिसेज को लेडीज एसोसिएशन में क्लब में ज्यादा इंटरेस्ट है सर। अदरवाइज सी इज ए फाइन लेडी, घर में ड्राइवर है, उसे सब रामू काका कह के बुलाते हैं और उसकी बेटी की शादी तय हो गई है। पैसों की कोई कमी नहीं है सर। इसके अलावा और कोई खास खबर नहीं मिली है सर। कैनेडी के बारे में पूछताछ किया था? पूछताछ किया था सर, कैनेडी के बारे में उसके फ्रेंड सर्कल बिजनेस सर्कल में पूछताछ किया तो गलत बातें ही सुनी सर। वो लड़की के मामले में वीक है, कुछ अफेयर भी है ये हमें मालूम पड़ा है सर। उसके पीए के बारे में पूछताछ किया सर, पीए कैनेडी के पास बहुत सालों से काम कर रहा है। ओहो। लेकिन एक साल पहले कैनेडी उसे डिसमिस किया था सर। और कुछ 6 सप्ताह पहले उसी पीए को रीअपॉइंट किया सर। सर मुझे लग रहा है पीए कैनेडी का कोई वीक पॉइंट जानता है सर, इसीलिए उसे वापस बुलाया। अभी दोनों बहुत अच्छे हैं सर, पीए कैनेडी का सारा काम संभाल रहा है। ओके, कोई इन्फॉर्मेशन में तो मुझे अपडेट करना। यस सर। ठीक है, वो लड़के को अंदर भेजो। ओके सर। तुम नाइट शिफ्ट में काम करते हो, इससे पहले क्या किया था? सर आई प्रोफेशनल बिजनेस सर, आई एम द एंटरप्रेन्योर, यू वांट वॉट एवर आई मिस्टर परमेश सप्लाई सर। सर यू नो अंडरस्टैंड, सर सब्जी मंडी में मैं सब्जी बेचता हूं सर। तुम्हारी शादी टीचर से होने वाली थी ना? हाँ सर, सर बट पूरी फैमिली के साथ मेरी शादी में आई है सर, इट इज माई रिक्वेस्ट। आऊंगा जी सर। तो ये क्या है, देखो कौन है लड़का? हमारा वैलेंटाइन डे मनाने का सपना पूरा नहीं हुआ। माँ की तबीयत बिगड़ गई है और अगर मैंने अभी उनसे कहा कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, नहीं मैं उन्हें नहीं बता सकती। परमी, मैं तुम्हारे साथ कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं बता सकती कि दैट्स नॉट ट्रू। तुम सिर्फ मेरे फ्रेंड नहीं हो, यू आर मच मोर देन दैट। वो क्या है कि मेरी अरेंज मैरिज होगी, सो तुम मुझसे दूर रहो। ओके स्माइल। Thank you.
उनके माँ बाप होते हैं तो वो लव मैरिज करना चाहते हैं। दो किलो टमाटर दे दो। मेरे जैसे अनाथ लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। प्याज भी दे दो किलो। मेरी मैरिज अरेंज मैरिज करने के लिए कौन मदद करेगा? अरे इतना सोच में क्यों पड़ा भाई, हम सब तेरे साथ है ना, अरेंज मैरिज करनी है ना। कल तू एक काम कर, पूरी सफेद ड्रेस में आ जाना, हम जो है ना अक्षदा साड़ी फूल फल स्वीट और बहुत कुछ लेकर आ जाएंगे, उस लड़की के घर जाकर मंगनी कर लेंगे, सब कुछ फिक्स कर देंगे। रंगा भाई, आपका और मेरा पिछले जन्म का कोई नाता लगता है। ए रो मत, सुन, मैं पिछले जन्म के बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इस जन्म का तूने मेरा 10,500 रुपया बैलेंस देना है, वो दे दियो भाई। सुन, कम से कम बजट में एक बढ़िया सी कार लेकर आना, समझे? हम इसका रिश्ता उसी गाड़ी में बैठकर करने जाएंगे। ओ तो यही घर है क्या? पर मैं हम यहाँ आएंगे पहले से बता दिया था क्या? नहीं, शायद अंदर कोई फंक्शन चल रहा है, मैं देख के आता हूँ। हाँ जल्दी जाके आओ। लड़का बहुत सुंदर है ना? हाँ। अनन्या, अचानक मंगनी फिक्स होने से हमें लगा था जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन लड़का तो सुपर है, सुपर। सॉरी, मैंने एक साथ दो कॉफी दे दिया। अनन्या, आजकल तुम बहुत बिजी लगती हो। इस सब परमी की वजह से। लाइफ में ऐसे अच्छे ऑफर को कभी नहीं ठुकराना चाहिए। हाँ, वन सेकेंड। हेलो। हेलो अनन्या। हाँ। मैं राहुल, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ने की वजह से मैं अस्पताल में भर्ती कराया हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? रक्षा हॉस्पिटल। माँ कैसी हो तुम, ठीक हो ना? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा चेहरा पीला लग रहा है। हाय राहुल। हाय। डॉक्टर ने क्या कहा? परेशानी की कोई बात नहीं है, ड्रिप्स दे दिया है, वो पुरानी रिपोर्ट्स मांग रहे हैं, देख लो। ठीक है, मैं देखती हूँ। माँ क्यों तकलीफ उठा रही हो? अनन्या से मैं प्यार करता हूँ ये बात मेरी माँ ने कही होगी। शादी के बाद आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी और आपको कोई एतराज तो नहीं? मैं अपने माता पिता को आपके पास बात करने के लिए भेजता हूँ। ए अनन्या, तुम इतनी डल क्यों लग रही हो? कल एक ऑफर मिला था, आज दो ऑफर है। मिडिल क्लास फैमिली में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करके बात का बतंगड़ बना देते हैं, इसमें तुम बिल्कुल मत उलझना, अच्छी तरह सोच लो तुम। सो इनडायरेक्टली तुम कहना चाहती हो जो हो रहा है सही हो रहा है मेरे लिए, ये सोचकर मुझे चुप रहना चाहिए, है ना? राहुल दिखने में बहुत स्मार्ट है, कास्ट भी सेम है, तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, माँ की ट्रीटमेंट भी राहुल करेगा, परमी शायद ये सब कभी नहीं कर पाता। तुमने सही डिसीजन लिया है अनन्या, तुमने सही कहा। हे, परमी से शादी तुम करती तो शायद तुम ही खुश रहती। तुमने सही कहा, लेकिन राहुल से शादी करने से तुम्हारी माँ भी खुश रहेगी।
और क्या चाहिए बहन जी? टमाटर आधा किलो, भिंडी आधा किलो, बाकी छुट्टे का हरा मसाला दे दो। हाँ ठीक है। बहन क्या हुआ? हमारे घर में आज शाम को 6 से 7 बजे तक लाइट नहीं आएगी। तुमने वो कल का सच्चा गवाह देखा था क्या? नहीं मैंने नहीं देखा। उसमें उनकी शादी को 2 साल हो गए, कल सुहागरात होने वाली थी। क्या हुआ होगा कुछ पता नहीं। क्या बताऊं आंटी, खटिया टूट गई। तुम भी वो सीरियल देखते हो क्या? आंटी फुट बेड दोनों मिस कर दूंगा, लेकिन सच्चा गवाह सीरियल नहीं मिस कर सकता ना। अच्छा तो कल क्या हुआ था? कल क्या हुआ था जानती है? रूम ना एकदम मस्त डेकोरेट किया था। हीरो बैठा है, हीरोइन एंट्री कर रही है। एंट्री कैसे दिखाई पता है? इसका चेहरा, उसका चेहरा, इसका चेहरा, उसका चेहरा, इसका चेहरा, उसका चेहरा। दूध का गिलास दिखाया और उसके बाद इसका चेहरा, उसका चेहरा, इसका चेहरा, उसका चेहरा, इसका चेहरा। आगे गाना शुरू होता है। जब गाना खत्म होता है ना, तो वो धीरे से हीरो के पास आती है। जब वो कॉट पे बैठती है, हीरो थोड़ा करीब आता है और हीरोइन शर्माती है। हीरो और करीब आता है। अरे अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे खटिया टूट गई आंटी। हे भगवान। और तो और क्या हुआ जानती है? खटिया टूटी तो टूटी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ? खटिया का पैर टूटा तो हीरो का पैर टूट गया। ओहो जाने दो, और 6 हफ्ते तक इनके बीच कुछ नहीं होगा। तुम कुछ भी कहो बहन, ये सीरियल का नशाना अच्छा नहीं होता। अरे ऐसा नहीं आंटी, अमृत दर्शन सीरियल है ना, वो तो बहुत बढ़िया सीरियल है। तुम वो भी देखते हो क्या? आंटी खाना पीना भूल जाऊंगा, लेकिन अमृत दर्शन देखना नहीं भूलूंगा मैं। हाँ तो कल क्या हुआ था? कल क्या हुआ जानती है आंटी? हाँ? और आखिर में ये सब हुआ। ओह तुम्हारे मुंह से कहानी सुन के ऐसा लग रहा है जैसे सीरियल देखा। आंटी कभी भी आप एपिसोड मिस करेंगी ना, तो पूर्वी दीदी को कॉल करके यहाँ आइए, मैं डिटेल में कहानी बता दूंगा। कहानी सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी कहानी सुनना पसंद अच्छा। है। हाँ। अच्छा आंटी चलता हूँ। ए परमी हाँ। तुम किस तरफ जा रहे हो? जेबी नगर। उससे पहले तुम इन्हें विजय नगर में छोड़ दो। हाँ। ये फालतू में चल के जाएंगी। नहीं दीदी मैं पैदल चली जाऊंगी। अरे बहन जी मैं कह रही हूँ ना, तुम इसके साथ चली जाओ या छोड़ देगा। आंटी मेरी गाड़ी डबल सीट है, चलिए। ठीक है मैं चलती हूँ दीदी। हाँ ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आंटी मायसेल्फ मिस्टर परमेश, आप मुझे परमी बुला सकती हैं। हमारी रोड पे एक कुत्ता है। हाँ। हम सब उसे पम्मी बुलाते हैं। आंटी पम्मी नहीं, इट इज PORMY परमी, समझी? ओ परमी परमी परमी। हाँ। पर वो अच्छी ब्रीड का कुत्ता है। कोई बात नहीं, सारे मर्द कुत्ते ही तो होते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे पर लेफ्ट टर्न आएगा, वहीं पे मुड़ना है। ये वाला लेफ्ट? हाँ। आंटी इस लेफ्ट से नहीं जाते हैं, राइट से चलते हैं। ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता बहुत सही है। चलेगा चलेगा, तुम हमारे एरिया को अच्छे से पहचान गए। नहीं आंटी मेरी पहचान वाले का घर है यहाँ। रुको रुको रुको, यहीं रुको। यहाँ तुमसे बातें करते करते घर कब आ गया पता ही नहीं चला। आंटी ये आपका घर है? यही है मेरा घर। तुमने कहा था तुम्हारे पहचान वाले का घर है, पर वो है कहाँ? कहाँ है बताओ ना। वो आंटी मैं भूल गया वो घर। कोई बात नहीं बेटा, मुझे जरा अपना नंबर तो बताओ। फालतू के लोग शाम को 6 से 7 बजे तक लाइट कट करते हैं। मैं तुम्हें कॉल करके पूछ लूंगी कि सीरियल में क्या हुआ। आंटी टेंशन नहीं है, वो दोपहर में रिपीट टेलीकास्ट होता है ना, वो आप देख सकती हैं। अरे रे रे अगले दिन तक कौन इंतजार करे, उसी दिन पता चलेगा तो ठीक रहता है ना। जल्दी से नंबर दो। ठीक है आंटी देता हूँ। आंटी मिस्टर परमेश नाम से सेव किया हुआ है, आप मुझे एक मिस कॉल दे दीजिए। मिस कॉल क्यों, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स भेजती हूँ। बाय। ओके बाय। अरे बिजी हो क्या? क्या बात है बोलो माँ। आज शाम को मैं खीर बनाऊँ? क्यों? मेरा फ्रेंड घर आ रहा है इसलिए। कौन? विजयलक्ष्मी आंटी? नहीं नहीं नहीं, ये नया फ्रेंड है। शाम को आ जाना ये व्हाट्सएप किया था। ब्लू टिक आ गई तो देख लिया होगा क्या, अभी तक रिप्लाई नहीं किया। समझ से आ रहा। ओके आंटी। आंटी अनु लगता है मेरा फ्रेंड आ गया, आ रही हूँ। ये तो किसी लड़के की आवाज लग रही है, लगता है राहुल है।
अब इस वक्त ये राहुल यहाँ क्यों आया है? टीवी खोलती हूँ। अरे बाहर क्यों खड़े हो, आओ ना। अरे ये कौन है? Then, WhatsApp? WhatsApp मिल गया। गाड़ी चला रहा था इसलिए रिप्लाई नहीं दे पाया। आज तुम घर आने वाले हो ये बता दिया था मैंने। अच्छा। मेरी बेटी खीर बना रही है। ओ। अनु आ रही हो? अरे आज तो इनका झगड़ा खत्म होना चाहिए। क्या पता आंटी, आज से झगड़ा शुरू भी हो सकता है। तुम चुप रहो, कुछ नहीं होगा। तुम सीरियल देखो, बाद में पेपर पढ़ना। अरे पहले उसे देना चाहिए था। मैंने बताया था ना, मेरा नया सीरियल फ्रेंड बना है, ये परमी है। हाय। हेलो परमी। हे परमी। हाँ आंटी, करेक्ट। आंटी हमारे एरिया में 7 से 8 पावर नहीं होती। धरनी की शादी सीरियल आपके घर पे देखूं, अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भी लाइट गई थी, तुम्हारे आते ही लाइट भी आ गई। चलो देखते हैं। थैंक्स आंटी। तेरी दीवानी हुई साजन, हर पल ऐसा चलता रहता। सजना सजना बोले रे सुन रे ओ मैं सजना, मेरा दिल कहता है बार बार लव यू तुझको। तनहा तनहा नहीं जीना तेरे बिन ओ सजना, तेरी यादों में ही डूबे रहती ओ मैं सजना। क्या तू मुझे सेल्फी लेना सिखाएगी? क्यों, तुम्हारे सीरियल फ्रेंड ने नहीं सिखाया क्या? ओके, सो मेनू में जाके कैमरा ओपन करके ऐसे करते। ओ राहुल, आओ आओ अंदर आओ। हाय। हाय माँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं और अनन्या जरा बाहर होकर के आ जाए। मुझे क्या प्रॉब्लम है, तुम ले जा सकते हो इसे। अनन्या मैं चेंज करके आती हूँ। ये क्या, FB पर पुरानी फोटोज हैं? एंगेजमेंट की फोटो एक भी अपलोड नहीं की तुमने? मैं फेसबुक पे एक्टिव नहीं हूँ। देन सेल्फी। अनन्या तुम अपनी यूजर नेम और पासवर्ड दो, मैं खुद अपलोड करता हूँ। लो मैं करती हूँ। ಅರೆರೆರೆರೆ ನೆನ್ನೆ ಎಂಬ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪು 108 ಈ ಪರ್ಮಿಯ ಎದೆಗೆ ಅನನ್ಯಳ ಹೆಸರು ಆಗ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟು ಟೀಚರ್ ಪ್ಲೀಸು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಮಾ ತುಂಬೆ ಕಿತ್ನಿ ಬಾರ್ ಸಮಝಾಯಾ ಸಮಝೋಗಿ ನಹೀಂ ನಾ ಸುಬಹ ಕಿ ದವಾಯಿ ಅಬ್ ತಕ್ ನಹೀಂ ಖಾಯಿ ಆಪ್ನೆ ಮೈ ರಾತ್ ಮೇ ಭಿ ದವಾಯಿ ನಹೀಂ ಲೂಂಗಿ ಕ್ಯೋ ಲೂ ಮೈ ದವಾಯಿ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಜಿಂದಾ ನಹೀಂ ರಹ ಸಕ್ತಿ ಯೇ ಸಬ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ವಾಲೋ ಕಿ ಚಾಲ್ ಹೈ प्लीज हैव इट मैडम। ये क्या है? पी लीजिए ना।
बढ़िया है ना? इम्प्रेसिव। क्या कहा डॉक्टर ने? और क्या कहेंगे? कहा कि अगर आप उनकी बात मानेंगी तो मंथली इनकम में कोई नुकसान नहीं होगा। अरे तुम्हारे साथ आती हूँ तो तकलीफ होती है, परमी के साथ आती हूँ तो आराम रहता है। माँ वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्यों? वो तुम्हें घूरता है क्या? नहीं, नहीं तो। ओ, नहीं घूरता है क्या, तभी तुम उससे नाराज हो। चलो। अनन्या वापस आ गई, लाइट आती तो सीरियल देख। अनन्या जस्ट अ मिनट, तुमने पार्टी में हमारी फैमिली वालों को देखा ना? उनमें से किसी ने भी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी थी। राहुल प्लीज तुम शुरू मत करो। तुमने नाइट पार्टी में चलने को कहा इसलिए मैं ये ड्रेस पहन के आई हूँ एंड आई एम कंफर्टेबल वेयरिंग इट। तो फिर तुम यहाँ पे इतना सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो? पत्नी बनोगी तो मुझे और मेरी फैमिली के लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए, ये तुम्हारी माँ को भी मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया। क्या आपको भी ये समझ में नहीं आया? जरा सा भी आप में कल्चर नहीं है, बेटी को कैसे पालना ये भी नहीं जानती है। Damn it. I'm done with this guy. क्या सोच रही हो? कल राहुल ने टॉर्चर किया इसलिए खुद को परेशान कर रही हो क्या? What are you doing, Parmi? तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे मिलना छोड़ दिया तो मेरी माँ को इम्प्रेस करने लगे? थू, what I'm saying? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे माँ के क्लोज हो जाओगे और मैं तुम्हें वापस मिल जाऊंगी तो प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी एंगेजमेंट राहुल से हो चुकी है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट एंड प्लीज तुम अपने लिमिट में रहो, मैं यही चाहती हूँ। एक मिनट, एक मिनट, डांटती हो तो इंग्लिश बहुत ज्यादा झाड़ती रहती हो तुम। मिस्टर परमी ऑल्सो स्पीक इंग्लिश बट दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज, हाँ मैंने सोचा था कि तुम्हारी माँ को इम्प्रेस करके मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। मुझे लगा था कि तुम्हारी माँ को मैं इजीली इम्प्रेस कर सकता हूँ, लेकिन उनकी अच्छाई ने मुझे इम्प्रेस कर दिया। अनन्या तुम एक बात जानती हो, 22 सालों के बाद मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी में एक लड़की होनी चाहिए, लेकिन उन 22 सालों में मुझे हर रोज यही लगता था कि मुझे मां की जरूरत है। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी मां मिली है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम दोनों की शादी हो गई तो तुम्हारी मां मेरी सांस बनेगी। नहीं, मां ही ठीक है। माँ कॉफी। तीन कप कॉफी किसके लिए लाई हो? हाँ ओफो, परमी को मिस कर रही हो ना? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तू मेरे से कुछ नहीं छिपा सकती। इधर आ, आइए मैडम। अपने दिल की सारी बातें मुझे बता दे। आंटी मुझे आपसे एक बात करनी है। बताओ परमी। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, लेकिन हम दोनों ने कभी इजहार नहीं किया, लेकिन ये बात हम दोनों जानते हैं। तुम यही सब सोच के मेरे घर आ रहे थे?
मैं आपके घर फूल ढूंढने आया था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि आपका घर तो मंदिर है। उसके बाद मैं प्यार की वजह से नहीं, आदर की वजह से आपके घर आया। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। तुम ही मेरे से सब छुपा के मुझे धोखा देकर तुम खुद को धोखा दे रही हो। मुझे अपनी बेटी से ज्यादा समझदार मेरा बेटा लग रहा है। तुम आज परमी को मिस कर रही थी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम शादी के बाद मिस करोगी तो बहुत गलत होगा। तुम राहुल से शादी करने के बाद जितने साल उसके साथ रहोगी ऑफिस में ही रहोगी। अगर तुम परमी से शादी करोगी उसके साथ मरते दम तक घर में ही रहोगी। सुनो अनु, मेरे दिल में अब राहुल नहीं परमी है। मैं अपनी बेटी की रॉयल लड़के से शादी करने से ज्यादा सिंपल लड़के से शादी करना पसंद करूंगी। ऑफिसर, अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। यस सर, रिसीव करिए। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। 4 घंटे में पैसा एक बैग में डालकर मेरी बताई हुई जगह पर मेरे लड़के के हाथ भेज दो। हाँ। ओह सर, सिर्फ मेरा ही लड़का आना चाहिए और कोई उसके साथ नहीं आना चाहिए, वरना तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। मार्क माय वर्ड्स कैनेडी। भरोसा कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता सर। हे हरीश, इसे छोड़ दो। सुनो, तुम्हें बैग लेकर के किडनैपर के पास जाना होगा। सर ये क्या है सर, पुलिस तो लोगों की तकलीफ दूर करती है, लेकिन आप तो मेरी तकलीफ बढ़ा रहे हैं सर। सुनो, तुम किडनैपर को अच्छी तरह से जानते हो। सर अच्छी तरह से जानता या बुरी तरह से जानता मैं नहीं जानता सर, उसे पकड़ने के लिए आप मुझे चारा बना रहे हैं इतना जानता हूं मैं। सर वो फंसेगा कि नहीं फंसेगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसके एरिया में जाने के बाद मेरी जान को खतरा हो सकता है। ए, तुम अगर ऐसा नहीं किए तो तुम्हें पुलिस स्टेशन में मार देंगे। सर आप लोग मुझे पुलिस स्टेशन में मार देंगे तो भी चलेगा सर, मेरा तो वक्त ही खराब चल रहा है। इस समय वो यहाँ पर नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो नहीं है। ये इंसान हर चीज़ छोड़ चुका है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं, एक बार और देखते हैं। वैसे ऐसे लोगों से हम हर चीज़ की उम्मीद रख सकते हैं। ये इंसान जो है किडनैपर भी है और मर्डरर भी है। अरे ऐसे लोग जो हमेशा झूठी बोलते हैं। सर एक मिनट, ये अरे ये तो बहुत बड़ा किडनैपर है, लेकिन 10 साल पहले तो ये खुद ही किडनैप हो गया। पर तुम कहीं भी देखो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये लोग कहाँ गायब हो गए। सर, नेलमंगला 9:30 AM, शिवाजी नगर 10 AM, हिंगेरी 1:30 PM, एसरगट्टा 3 PM। सर जब जब बात किया अलग अलग वॉइस में बात किया सर। ओके, मेरी पूरी केस हिस्ट्री में पहली बार मल्टीपल किडनैपर केस से फाला पड़ा है। मुझे लगता है कि दहशत से डील हो रही है। ओके, मुझे लगता है कि भाईंदर मीरा रोड और चारकोप के पास से, यहाँ से जाने वाली हर रोड का नाकाबंदी करो और हर गाड़ी को चेक करो, समझ गए ना, कोई भी गाड़ी छूटने ना पाए। सुनो पम्मी। सर यू आर कॉलिंग पम्मी अगेन, इट इज PURMY, मिस्टर परमी सर। चुप। ओके, वो पैचेस दिख रहा है ना, उसके बीच में तुम्हारे बॉस के द्वारा बताई गई जगह। सर
इस पैसे को देकर लड़कों के लेकर के आओ, ये लो। चालाकी मत दिखाना। सर लड़के को मैं बचाऊंगा तो मुझे प्राइज मिलेगा? अगर उस लड़के को लाए तो तुम्हें पक्का प्राइज मिलेगा। चलो। सर वो पैसा लेकर भाग गया तो आप उस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। अगर उसको मुझ पर डाउट है तो मुझे उस पर डाउट रहेगा। मैंने उस बैग में जीपीएस डाल रखा है। मनोज। यस सर। ट्रैकर ऑन करो। ओके सर। सर जीपीएस मूवमेंट नहीं हो रहा है, मोस्टली ये स्पॉट में पैसा दे दिया लग रहा है। सर समथिंग इज रॉन्ग, जीपीएस वापस आ रहा है। ये वापस क्यों आ रहा है? ए, क्यों क्या हुआ? बैग ले लीजिए सर। बैग क्यों लाए हो? लड़का कहाँ है? सर वो दोनों हाय पैसे का बैग दे। लड़का मैंने बोला ना पैसे का बैग दे। रुको। अरे रुक जाओ। ये भागो। अरे लड़का कहाँ है? ए पुलिस तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। रुको। अरे रुक जाओ। अरे लड़का कहाँ है ये बताओ? आजा आजा, मेरा पीछा करो, पुलिस तुमको पकड़ लेगी। वो तो मेरा लड़का करता रहता है सर। पैसे देकर मैं लड़का लेके नहीं आऊंगा तो आप मुझे छोड़ेंगे क्या? इसके लिए मैं पैसा लेकर वापस बच के आ गया सर। ओके, वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट कॉल। चलो।
अगर मेरा बाप भी मुझे इस तरह की शॉप डाल के दे देता तो कितना अच्छा हो जाता है। मेरे बाप के मरने के बाद उनकी जॉब मुझे मिल गई और मैं इस जॉब में फंस गया हूँ। अब बस छानबीन करते रहो सीसीटीवी शॉप और ये कॉइन वाला फोन। इस फोन से कोई रेगुलर फोन करने आता है क्या? 100 से ज्यादा लोग आते हैं, किस किस का ध्यान रखें? अरे मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जो हमेशा यहाँ पर आकर के फोन यूज करता है। ऐसा कोई सर, एक लेडी आती है। लेडी? लेडी सर, एक छोटी सी स्कूटी पे चमकने वाली साड़ी पहनकर वो आती है सर। सर आमतौर पर लोग जो यहाँ पर फोन करने आते हैं चिट्ठी लेकर फोन करते हैं। लेकिन वो ये जो बड़ा सा फोन होता है ना सर, वो कैमरा फोन, उसमें देखकर फोन करती है। मुझे भी शक हो रहा था वो इतना बड़ा फोन छोड़कर इस कॉइन फोन से क्यों फोन करती है। अच्छा, क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि वो क्या बात करती थी? आंखें तो खुली रहती हैं सर और ध्यान उस पर ही रहता है। अरे फोन पर बात होने के बाद वो किस तरफ जाती थी? यहाँ से स्ट्रेट और सिग्नल से राइट। सिग्नल से राइट, सिग्नल पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हाँ, अंदाजन किस समय पर वो यहाँ पर आती थी? अंदाज क्या सर, मैं परफेक्ट टाइम बता रहा हूँ। 10:47 सुबह को और शाम को 4:33 पर आएगी। 47 और 33, बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। बहुत ही सुंदर होगी ना वो। हाँ सर। तुम्हारी उम्र कितनी है? 24 रनिंग सर। तुम्हारी 24 रनिंग है इसलिए तुम देख रहे हो, और अपनी तो बिल्कुल ऑपोजिट है, 42 स्लीपिंग। मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं अपनी वाइफ को देखने के लिए। चलो सर को कॉल लगा के खबर कर देता हूँ। गुची है क्या? ओरिजिनल है ना? ये तो ओरिजिनल है। 15,000। मैं एक बार पहन के देखूं। अशोक सर आ गए। सर, सर क्या हुआ सर? सर वो हाथ से निकल गया। ए, इससे पहले कुछ खिला दो और हमारे लिए चाय बोल दो। ठीक है। ए, चलो। ऑफिसर मैं एक कॉल करके आता हूँ। ठीक है कर लो। जल्दी से चाय दो। हाँ सर जरूर। बोलो पुजारी। क्यों भाई, एम्बुलेंस में आए हो? कोई एक्सीडेंट हो गया है क्या? नहीं नहीं, हम किसी और काम से यहाँ पर आए हैं। क्यों, पुलिस के पास जीप नहीं है? वो क्या है कि जल्दी कहीं जाना हो तो लोग जगह नहीं देते हैं, एम्बुलेंस हो तो सभी रास्ता दे देते हैं। हमारे साहब ने यही बात कहा है, समझ में आई तुम्हारे? अरे तुम जल्दी से सामान दो, समय नहीं है। बाद में कॉल करता हूं, उसमें पैसे हैं, ध्यान रखना। आप बेफिक्र रहिए सर। सर उसमें भाग गया सर। सर 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 मैंने कुछ नहीं किया सर। सर क्या बात है सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, बस मैं कोई नहीं है सर। सर मत मारो सर, सर मत मारो सर, सर 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 मत मारो सर। मुझे नहीं मालूम था सर। चल साहब के पास चल। ये छोटा चोर नहीं किडनैपर है। चल ए तू पुलिस से भागेगा? चल कहाँ जाएगा भाग के? अरे हेल्प मी, तुझे नहीं छोड़ेंगे।
भागेगा, हमसे बच के भागेगा। चलो उठ, लेकर चलो उठ। ये क्या हो गया इसे? परमी, ए इसे सीट पे बिठाओ। परमी, ए परमी, ए परमी, 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 अनकॉन्शियस हो गया है, क्या करें इसका? सर कुछ गड़बड़ है सर, वो तो बिना लड़का लौटाए पैसे मांग रहा था। फेक नोट्स उसको कैसे पता चले ये मैंने आपको बताया था सर। आप कुछ भी कहिए सर, लेकिन किडनैपर हमारे बीच में है, मुझ पे भरोसा कीजिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं निर्दोष हूं सर, प्लीज मुझे छोड़ दो सर। छोड़ दो? प्लीज सर। ए, गाड़ी को साइड में लगाओ। सर मैं एक मिनट में आता हूं। सुनो, ये कंफर्म हो गया कि तुम किडनैपर नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। सर क्या बात कर रहे हैं सर? बस एक किडनैपर की बात और वो किडनैपर। सर मेरी जिंदगी में ऐसा कोई दिन आया था मैं भूल जाऊंगा। मैं कल रात को बेहोश हुआ था और अभी अभी होश में आया हूं सर। गुड 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 गुड, जाओ। सर सर, थैंक यू सर, आई लव यू सर, आई लव यू इंस्पेक्टर। ठीक है, बाय सर, मेरी शादी में जरूर आइए सर। ए पम्मे, सर इट्स परमी सर। सर अरे परमी, परमी क्या हुआ? परमी बचा। परमी क्या हो रहा है ये? आर यू ओके? गाड़ी साइड में लो। ओके सर, ओके सर, चलो उतरो, चलो नीचे आओ। उधर सर एक मिनट में पिस्तौल लोड करके आता हूं। जाओ। ये पिस्तौल लोड करने गया सर? सर मैं कहीं नहीं जाऊंगा सर, मैं कतई कहीं नहीं जाऊंगा। सुनो, तुम किडनैपर हो या सेकेंडरी बात है, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ खत्म कर दूंगा। सर हम दोनों की कसम खा के कहता हूँ, आइंदा से गलती नहीं करूंगा सर। सर मैं खुद उस लड़के को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। हम क्या पागल दिख रहे हैं जो तू लड़का ढूंढेगा? वो लड़का कैसा दिखता है? ए, तुझे मालूम लड़का कैसा है? मैं तुझे दिखाता हूँ, इसका फोटो दिखाओ। ए देखो ये फोटो देखो। परमी थोड़ा तेज चलो प्लीज। क्यों, अर्जेंट है क्या? ट्यूशन पढ़ने के लिए लड़का आया होगा। अरे तुम उसके घर जाती थी ना? हाँ जाती थी, बट माँ की तबीयत अभी सही नहीं है ना, और मैं पूरे दिन स्कूल में ही पढ़ी रहती हूँ, तो एटलीस्ट शाम को तो घर में रहना चाहिए ना, ये सोच के उसे घर पे बुला लिया। ठीक है, संभल के जाना तुम। बाय बाय।
अभी रिएक्शन लिखो, N2+H2 List 2 3H2। जॉन, मैंने ये लिखने को नहीं कहा था, N2 नाइट्रोजन। क्या लिख रहे हो जॉन, व्हाट इज दिस? ओह स्वीट, किसके लिए? मंगला में नाइट सुपरवाइजर के तौर पर मिस्टर परमे अपॉइंट किए गए। नाइट शिफ्ट में काम मिला है। शादी के बाद नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट में बदल देंगे। ये मेरे स्टूडेंट है जॉन। लो, हेलो, माय सेल्फ मिस्टर परमेश। हाय जॉन। आंटी कहाँ है? आंटी, आंटी। बोलो परमी। एक गुड न्यूज है, स्वीट लीजिए ना। समझ गई, नाइट शिफ्ट काम मिला है। आपने सुन लिया क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। नहीं चाहिए। क्यों? मुझे खाने का मन नहीं है। दवाई लेने का समय है, इसलिए आंटी का मूड नहीं है। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? 24 घंटा बाहर ही रहोगे क्या? घर में भी चार दीवारों के बीच में, स्कूल में भी चार दीवारों के बीच में, ट्यूशन में भी चार दीवारों के बीच में, यहाँ पर बिल्कुल आराम है। ए, आराम करने के लिए तो चार दीवारियां बनाई जाती हैं। ये कोई घर है क्या जो तू आराम से बैठा है? आराम से अंदर बैठ जा। डैडी बिजनेस में बिजी, मम्मा क्लब और पार्टी में बिजी, घर पे मैं और सिर्फ रामू काका। क्या हुआ अगर वो गाड़ी लेकर गया तो? वो महल मुझे जेल जैसा लगता है। छे, रामू काका कौन है? जो मुझे स्कूल लेकर जाता है और लेकर आता है, जिसे मेरे मम्मी पापा ड्राइवर बुलाते हैं, असल में वो मेरा देखभाल करता है। मेरे माँ बाप नहीं है, तेरे होके भी नहीं है। गेम वगैरह बंद करो, मैडम आएंगे तो गुस्सा करेंगे। अरे ये मैडम से ज्यादा टॉर्चर लगता है मुझे। अरे वहां से जरा नापना थोड़ा। हाँ 30 इंच है। 30 इंच? हाँ। हेलो। हेलो, कल तुम माँ को चेकअप के लिए ले गए थे ना? हाँ, तो क्या हुआ? 15 दिनों में ऑपरेशन कराने को कहा है। अच्छा, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। अनु रो मत प्लीज, थोड़ा शांत हो जाओ। देखो मैं सुबह तक पहुँचता हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम थोड़ा हिम्मत से काम लो। अनु कुछ नहीं होगा, माँ ठीक हो जाएगी। ओके। कल मैं जॉन के घर पे गई थी। जॉन के घर पे? क्यों? माँ का ऑपरेशन कराना है ना, उसके लिए पैसे की मदद मांगने गई थी। क्या कहा? क्या कहेगा, चाहो तो मैं फीस बढ़ा देता हूँ, लेकिन फालतू में पैसे नहीं दूंगा कहा। बहुत चीफ बातें कर रहा था। जानते हो मैं 10 लड़कों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। उसने रिक्वेस्ट किया था अपने बेटे को ट्यूशन देने के लिए, और उसी इंसान से मदद मांग रही हूँ तो मदद करने के लिए तैयार नहीं है। छे, कितने अहंकारी होते हैं पैसे वाले लोग। मैं क्या उसे भीख में पैसे मांग रही थी, उधारी मांग रही थी ना? ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। क्या उसने सही किया? कोई मुझे धोखा देता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ, उसे सबक सिखा के रहती हूँ। शंकर फोन कर रहा है सर। हाँ बोलो शंकर। मैंने टीचर के बारे में वेरिफिकेशन कर लिया है सर। हाँ। उसकी शादी होने वाली है और वो लड़की बिल्कुल सही कह रही सर। इस केस के बारे में उसे मालूम पड़ा क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं मालूम। नहीं मालूम पड़े तो अच्छा है, नहीं तो उसकी शादी में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये बात मैं सर को बताता हूँ। सर और कोई बात हो तो अपडेट करो। ऑफिसर, अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। हेलो सर, मैं सुबिन बैंक से बोल रहा हूँ, क्या आपको कोई पर्सनल लोन चाहिए? सर दूसरी कॉल है, अननोन नंबर से बात करो। डैडी, डैडी मुझे बचा लो डैडी। जॉन, जॉन तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। ए, सुनो, कैश लेकर के तुम्हारा लड़का तुम्हारे पास गया था जैसा तुमने कहा था, लेकिन वो लड़का पैसा लेकर वापस आ गया। ओके, इस बार गलती नहीं होगी, हम इस तरफ से पैसा भेजेंगे और तुम उस तरफ से लड़के को भेजोगे। ओके, तुम्हारी बात नहीं मेरी बात सुनो, बस 1 घंटे के बाद HMT वाली पुरानी गली में मेरे लड़के के हाथ पैसे भेज दो। अगर इस बार कोई गलती हुई तो तुम्हारे लड़के की लाश तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मैं पैसा छोड़ देता हूँ, तुम लड़के को छोड़ दो।
सर इस बार डुप्लीकेट नोट नहीं भेजेंगे, बाद में आप एक्शन लीजिएगा। हरीश, रवि सर चलो। अंडे का ब्रेकफास्ट ना एकदम मस्त होता है। बोलिए मैडम। आज मैं शाम को माँ को अस्पताल ले जाऊंगी चेकअप के लिए। कोई बात नहीं, मैं अकेले जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं ले जाऊंगी। माँ के सारे रिपोर्ट्स कलेक्ट करने हैं, डॉक्टर से बातें करनी है, बहुत कुछ करना है। तुमसे नहीं होगा, वो जॉन शाम को घर आएगा ट्यूशन के लिए, तुम बस उसके साथ ही रहना। नो टेंशन, मैं जो कुछ भी जानता हूँ ना वो सब बता दूंगा। हेलो, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले उसे होमवर्क दे दिया है। ओके, शाम को मिलेंगे। ओके बाय बाय। माँ आपने दोपहर में दवाई ली थी? हाँ। परमी अभी आ जाएगा। अनु क्या हुआ? एक मिनट। ओके परमी, उस रूम में जॉन बैठा हुआ है। ओके, मैं माँ को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ये तो एक तरह की वन डे ट्रिप है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। मुझे अस्पताल की स्मेल नहीं अच्छी लगती, गंदी लगती है। टेक केयर, ऑनलाइन रहना, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगी। ठीक है, आप जाइए, पहुंच के कॉल करना। हाँ करूंगी, चाबियां मैंने वहीं रखी हैं। किचन में थोड़ा दूध रखा है, मन करे तो चाय बना लेना। यहाँ पे क्यों बैठे हो? हमारी मैडम तुम्हारे घर पे आई थी। सुनो, इस बार लड़का मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, बैग देकर के आना। रूल्स के अनुसार ये गलत तो है, पर ये दे रहा हूं, यूज करना जानते हो? सर नहीं सर। रख लो, मैं किसी पे गोली चलाऊं या कोई मुझ पे गोली चलाए, जान तो जाएगी ही ना सर। जान जानी है तो मेरी ही जाने दीजिए। हरीश हेलो, जाओ। सर किस तरफ जाना है? आ गया, वो तुम्हें ऑलरेडी वॉच कर रहा होगा, तुम यहां से चलो, वो खुद तुझे मिल जाएगा। जाओ जाओ जाओ। हरीश सर तुम वॉच करो। यस सर। मनोज
ट्रैकर ऑन करो। रेडी सर। से लोकेशन कितनी दूर होगी लगभग? सर 350 से 400 मीटर के आसपास है। ओके। सर जीपीएस मोमेंट बता रहा है ऑलमोस्ट किडनैपर बहुत नजदीक है। बोलो पुजारी। सर पब्लिक फोन से बात करने वाले लड़के का पता चल गया। हम उसे पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं सर और उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में रखा हुआ है। ओके ओके मैं आ रहा हूँ। सर जीपीएस वापस आ रहा है। वो ये बैग लेकर वापस क्यों आ रहा है? सर उसके पीछे एक लड़का आ रहा है। जॉन, जॉन माय सन। डैड, डैड, आर यू ओके? डोंट वरी। डैड, उन लोग ने मुझे मारा। डैड, इट्स ऑल राइट। पैसे क्यों वापस लाए? पैसे कहाँ हैं सर? इसमें पैसे नहीं है, खाली बैग है ये। पैसा चले गया तो कोई बात नहीं, मुझे मेरे बेटा मिल गया ना, बस यही बहुत है। पैसा कहीं नहीं जाएगा, मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था सर, आपका सारा प्लान उसे पता चलता रहता है। किडनैपर आपके बीच में ही है। Let us move. प्यार का नाम सुन के मैं घबरा जाती हूँ, लेकिन 2 साल पहले मैं उनके प्यार में पागल हो गई थी। Then he spoiled my life. मेरे पेट में उनका बच्चा पल रहा था। रूटीन चेकअप के बहाने वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गया, लेकिन असलियत में उसने मेरा अबॉर्शन करा दिया। मेरी जानकारी के बिना मेरे बच्चे को मार दिया। सो आई वॉन्टेड हिम टू फील द पेन ऑफ लूजिंग अ चाइल्ड। सो कैनेडी को सबक सिखाने के लिए एक गुंडे को सुपारी देकर जॉन को फॉलो करके उसका मूवमेंट ऑब्जर्व करके जॉन को किडनैप किया था। आई एम राइट? नो सर, यू आर रॉन्ग। किडनैप करने का प्लान किया था, ये बात सच है, बट वी डिड नॉट किडनैप द चाइल्ड। ये किसने किया वो कोई अंदर का आदमी होगा। सर ओके। थैंक यू मिस्टर परमी। सर इट्स PURMY परमी सर, यू कैन कॉल मी मिस्टर परमी। ओके थैंक यू मिस्टर परमी।
हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, इसलिए हो सके तो माफ कर दीजिएगा। थैंक्स। नॉट मेंशन मैडम, इट्स ओके, बट ये थोड़ा सही कर दीजिए सर। वो कहते हैं ना, बेस सही नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन फेस सही होना चाहिए, इसीलिए। तो तुम्हारी नजर मेरे ग्लासेस पे थी ना? इट्स फॉर यू। गुच्छी वाला? मेरे लिए? तुम्हारे लिए। मैडम डोंट माइंड। हाँ सर, थैंक यू सर। अगले हफ्ते मेरी शादी है, मिस्टर परमी वेट्स मिस अनन्या, कार्ड दूंगा, जरूर आइए। जरूर जरूर। थैंक यू सर। अंदर चल, पुजारी बुला रहे हैं, कुछ बात करनी है। ए जॉन, तुम भी चलो। सर थैंक यू सर, बाय। सर क्या हुआ? अब आपको क्या लगता है? उसने नहीं किया था, उसने सिर्फ प्लान किया था, और ये प्लान किसी और के समझ में आने से पहले किसी और ने एग्जीक्यूट किया। सर हाँ, वो ड्राइंग मास्टर स्केच आर्टिस्ट अंदर आ गया सर। ठीक है, स्केच बनाने के लिए कहो। हाँ सर। अमावस का आधा चांद दिखा, लेकिन ग्रहण आ गया। इसने भी नहीं किया तो फिर किसने किया? किडनैपर कोई और नहीं है सर, आपके बीच में ही है। वो आपके बीच में ही है। अंकल, ये भी पुलिस अंकल है? नहीं नहीं बेटा, ये आपके पिताजी हैं। मेरा मतलब, इन्होंने तुम्हें नया जन्म दिया है, इन्होंने तुम्हारे लिए बहुत दुख उठाए हैं। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच अंकल। रो मत बेटा, टोटली हम दोनों का वक्त खराब चल रहा था, चुप हो जा। सर एक मिनट देंगे क्या? अरे अरे रो मत, अरे रो मत बाबा, आप लोग बाहर जाकर के रो सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ रोगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी, अभी बहुत सारा काम बाकी है, कृपया करके चुप हो जाओ। हाँ सडनली स्टॉप हो गए। ओके, कैसा दिखता था वो? लंबे बाल थे। अगर आप लोग बॉइल्ड एग कहेंगे तो इन्हें समझ में नहीं आएगा। अच्छे से बताइए, क्या उसकी दाढ़ी लंबी थी? क्लीन लंबी दाढ़ी थी। बॉइल्ड एग, बड़ी दाढ़ी। हाँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा दिखता है, क्रिकेटर हासिम अमला जैसा। मैं उस पर बैट लगाता था लेकिन हमेशा ही हार जाता था। वॉट यार, वॉट क्या यार, बस बैट लगाता था, मैं हार जाता था। अंकल मैं उसे 10 घंटों से देख रहा था लेकिन ये 10 मिनट ही दिखे थे। मैंने अच्छी तरीके से जानता हूँ, बच्चा होकर क्या मैं झूठ बोलूंगा? ओके, बच्चे तो कभी झूठ नहीं बोलते। अच्छा तुम बताओ कि वो कैसा दिखता था? मुझे कोई किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा है। सच में किडनैप? क्या मुझे वो किडनैप कर लेगा? क्या कह रहे हो तुम? रामू काका की बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए, तुम्हारे सास के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, मेरे डैडी से पैसे वसूल करने के लिए यही एक रास्ता है, तभी मेरी वैल्यू समझ में आएगी, मेरे मम्मी डैडी को ये एहसास होना चाहिए। मुझे ये तरीका ठीक नहीं लग रहा है, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा।
मिस्टर परमी एक इथिकल बंदा है, समझे ना? ये सोचे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास यही एक रास्ता है। जल्द ही डैड से पैसा वसूल करना होगा। हेलो, किडनैप करना कैंडी क्रश खेलने जितना आसान नहीं है। क्यों टेंशन ले यार, प्लान करेंगे, पैसा मिलेगा। तुम नेशनल मार्केट जाकर स्मार्टफोन के लिए डुप्लीकेट आईडी देकर एक सिम कार्ड ले लो। यार मेरे पास एक आइडिया है, तू एक लीगल गाड़ी का जुगाड़ करना। मैं मेरे दोस्त की गाड़ी लेके आता हूँ। मैं उन्हें अलग अलग लोकेशन और अलग अलग नंबर से कॉल करूँगा, समझे तुम? उनका 10 से ये नंबर से और 12 से ये नंबर से। तुम्हारे बेटे को जिंदा देखना चाहते हो? डैडी डैडी प्लीज सेव मी डैडी। उसे क्या, वो अच्छा है। हेलो 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 डैडी, हेलो हेलो डैडी। अच्छा जॉन, मान लो कि मैंने तुम्हारी बात मान ली तो मैं तो पुलिस में फंस जाऊंगा। मेरे डैड डेफिनेटली पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस को सेट करना डिफिकल्ट है, हमें ही पुलिस के पास सेट होना होगा। लेकिन पुलिस के पास सेट किसको करेंगे हम लोग? मैं नो सर। सर कोई भी नहीं जानता कि ये नोट जो है नकली है। सर अगले हफ्ते मेरी शादी है सर, मंगेतर को शॉपिंग कराने का प्रॉमिस किया था मैंने, उसको फोन नहीं करूंगा तो टेंशन में आ जाएगी। कम से कम एक मैसेज करता हूँ प्लीज सर। हाँ ये लो। थैंक यू सर। अच्छा है ना? तुम्हें अभी स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता, समझे? क्यों, क्या हुआ? बैग लेके आया सर। बैग वापस लेके आया? वो दोनों। इतना सारा पैसा पहली बार देख रहा हूँ। क्या बात है, पैसा। मुझे भी कुछ यकीन नहीं हो रहा यार। हे जीपीआरएस, हे बैग पैक कर। ले, बैग लेकर वापस चले जा। बोला किडनैपर ने बैग नहीं लिया, बाकी मैं संभाल लूंगा, समझा? जा जल्दी। तेरे बाप का सर फोड़ने का दिल कर रहा है। तुम जाओ, आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। जाओ तुम। ठीक है। क्यों गिराया? मैंने कब गिराया? वो किडनैपर ने ही गिराया है। अरे यार, तुम्हारी वजह से शक्ल पे चोट आ गई। पुलिस वालों ने पहले से ही मेरी आंख काली की है। दिखाओ जरा। जरा पास से आके देखना। तुम ए पागल, मुझे क्यों मार रहा है? ओह माय लॉर्ड, मैंने कहा तुम्हें मारा, उस किडनैपर ने तुम्हें मारा है। ओहो, अभी तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं जानता कि बिल्ली ने दूध पिया या नहीं पिया, लेकिन उसकी आंखें तो बंद थी, उसने जरूर दूध पिया होगा। हाँ, आगे खाली बॉटल लगकर के बनाना। हाँ सर, उसके लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। 24/7 मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सर, कसम से बोलता हूँ आपकी हेल्प करूंगा। अरे किस तरह का इंसान है तू, जब देखो तब कहता है वचन देता हूँ। अब क्या वचन दे रहा तू है? वो दोनों की कसम सर। सर देखो इसे। जाने दो पुजारी। सर अगले हफ्ते मेरी शादी है सर। मिस्टर परमिवेट्स, मिस अनन्या, आप दोनों अपनी फैमिली लेके आइए प्लीज। श्योर, जरूर आएंगे। थैंक यू सर। सर कमिश्नर ऑफिस से मैसेज आया है, ऑपरेशन जॉन के बारे में, जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपा जाए। दोस्त तुमने मेरा नाम नहीं लिया तो मैं भी तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। ओके डील डन। So let's operation अनु की माँ बचाओ। Yes, let's start operation अनु की माँ बचाओ। Operation अनु की माँ बचाओ? Hey, इतना अच्छा प्लान करके कैसा नाम दे रहे हो? हम ये सब प्लान किसके लिए किए थे? मेरी सास के ऑपरेशन के लिए। और वो कौन है? वो तो अनु की माँ है। करेक्ट है। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अनु की माँ। अच्छा
हम लोगों ने सब क्यों किया? अन्नु के माँ के ऑपरेशन के लिए किया, इसीलिए ऑपरेशन अन्नु की माँ। ओ छोड़ना यार, ऑपरेशन रामू का नाम रखते हैं, ये सुनने में अच्छा नहीं, लगता नहीं नहीं, ऑपरेशन अन्नू की माँ। मेरी बात सुनो, ऑपरेशन रामू नहीं नहीं, ऑपरेशन अन्नू की माँ, ऑपरेशन अन्नू की माँ, ऑपरेशन अन्नू की माँ, नहीं नहीं, ऑपरेशन अन्नू की माँ, नहीं नहीं, ऑपरेशन अन्नू की माँ, ऑपरेशन रामू काका। हुड हूँ यारो, माइकल जैक्सन हूँ यारो, मेरी डांसिंग के चर्चे दुनिया भर में होते हैं यारो। ये कपड़े है ब्रांडेड, संडे हो या मंडे, ये कपड़े है ब्रांडेड, संडे हो या मंडे, रहते हैं बड़े क्लियर मेरे फंडे, सुन रहे बंदे। और कोई जो ब्यूटी की बजाऊं ड्यूटी, लफड़े पे लफड़ा, ऑपरेशन दिल दिल का, ऑपरेशन दिल दिल का, ऑपरेशन दिल दिल का। आई परी जमीन पे रेड रोज खिले, जिसे ढूंढा जहां वहां तू ही वही लगे। चलती बलती नहीं कोई, तू मुझको इम्प्रेस करे, बोलू तुझको क्या मैं, तू मुझसे क्यों चिड़े। बेटा बेटा टीचर तू ठहरा एक टीचर, बोलू तुझसे क्या मैं, क्यों मुझसे चिड़े तू। टीचर तू सुन ले, तेरा ब्राइट नहीं है फ्यूचर, ओ टीचर तू सुन ले, तेरा ब्राइट नहीं है फ्यूचर। ऑपरेशन दिल